نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف हैं आप सब मुझे उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे अल्लाह सुबहाना व तआला आप सब को अपनी आफियत में रखे ईमान के साथ नेमतों के साथ शुक्र के जज्बे के साथ इंशाल्लाह अपनी क्लास का आगाज़ करने से पहले अपनी नियतों का जायज़ा लेते हैं अल्लाहुम्मा जाइल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु ली वजहका खालिसा वला तजअली आहदिन फीही शैआ इंशाल्लाह कोई भी काम करने से पहले जब तक अपनी नियत को अल्लाह ताला के लिए खालिस नहीं किया जाता अल्लाह के लिए तो वो अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है कबूल नहीं है तो इन्नमल आमालु बिन्नियात अमलों का दारो मदार नियत करें जितनी नियत खालिस होगी इंशाल्लाह उतना ही अजर आपके लिए बढ़ता जाएगा तो अल्लाह ताला हमारी नियतों को खालिस कर दे अल्लाहुम्मा असली नियातिना व ज़ुर्रियातिना व ज़ौजिना आमीन अल्लाहुम्मा आमीन इंशाल्लाह सूरह आल इमरान आयत नंबर 64 से ऑनवर्ड करते हैं पहले इन आयात की तिलावत को इंशाल्लाह करेंगे आप सबने अपने अपने मुसहफ को खोल लिया है शाबाश अगर खोल लिया तो फिर मुझे बताइए वन टाइप करके अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने खोल लिया गुड चलिए इंशाल्लाह आज के लेसन की तिलावत देखते हैं सब रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह चलिए इंशाल्लाह सूरह आल इमरान आयत नंबर 64 से ऑनवर्ड इंशाल्लाह بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ
يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه
وهذا النبي والذين آمنوا. وهذا النبي والذين آمنوا. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون وأنتم تشهدون. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. हमारी रिसाइटेशन कंप्लीट हुई. अल्लाह सुबहाना व तआला हम सबसे कबूल करें. उम्मीद है कि आपने मेरे साथ साथ की होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपने मुझे नेक्स्ट वीक से पहले पहले अपनी रिकॉर्डिंग भेज देनी है. हम इंशाल्लाह इसके लफ्जी तर्जुमे की तरफ चलते हैं. देखते हैं कि इंशाल्लाह इसके लफ्जी तर्जुमे को फिर थोड़ी सी इंशाल्लाह तजवीद को देखेंगे. तो आप सब अपने पास खोल लीजिए लफ्जी तर्जुमा इंशाल्लाह. जी इंशाल्लाह हम इसको देख लेते हैं लफ्जी तर्जुमे को. एक सेकेंड. जी हमारे पास खुल गया है. जी तो मैं एक सेकेंड आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग भी कर दूं ताकि आपको नज़र आए. जी जी तो आपको लफ्ज़ी तर्जुमा नज़र आ रहा होगा इंशाल्लाह लज़ीम. जी चलें अल्हम्दुलिल्लाह. तो हम आयत नंबर इंशाल्लाह आयत नंबर लाइक 64 से देखेंगे. या अहलल किताब ए अहले किताब. ठीक है यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा. नहीं हम इंशाल्लाह 64 से देखेंगे आयत ना. कुल या अहलल किताब. याद रखिए कुल जो होता है हमेशा थोड़ा सा यहाँ पे मैं ग्रामर आपको थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन करती जाऊँगी तो मीन वाइल आपको समझ आएगा. याद रखिए कौला यकूलू कुल. ठीक है कौला फेल पास्ट टेंस है माजी है. यकूलू मुदारी जिसका ट्रांसलेशन आप कहते हैं जैसे कौला ही सेड. ठीक है तो यकूलू ही सींग या ही विल से. तो कहने का मकसद है कि उसका तर्जमा या तो आप प्रेजेंट में करते हैं या फ्यूचर में करते हैं. ठीक है कुल का मतलब है कह दीजिए यार एक मुराद है कि कहा जा रहा है कहो. जैसे हम कहते हैं ना कुल हुवल्लाहु अहद या कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक. तो आप ये देखिए कि जहाँ भी कुल आ जाए इसका मतलब है हुक्म दिया जा रहा है. ठीक है और हुक्म जिसको दिया जा रहा है कमांड जिसको दिया जाता है वो सामने हो वो सामने है. जैसे मैं हूँ कलाम करने वाली इसको अरबी में कहते हैं मुतकल्लिम. जिससे कलाम किया जाता है उसको कहा जाता है प्रेजेंट हाज़िर. और जिसके अगर कोई प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम कहते हैं
गैर हाजिर या जिसे कहा जाए जो प्रेजेंट होता है उसको हाजिर और गायब जो प्रेजेंट नहीं होता ना, तो उसको अगर हमें कोई काम कहना हो तो हम कहते हैं कि उसको चाहिए कि वो ये बात कहे, ठीक है, इस अंदाज से बात की जाती है। तो कुल क्या है, जैसे आप कहते हैं ना, जैसे आपने कभी आप देखते हैं कुलू वश्रबू का जिक्र आता है ना, कुलू वश्रबू, तो कुलू क्या है, कुल भी वही है ना कि कुल का मतलब होता है खाओ, और अगर कोई काफ को काफ पढ़ दे तो कहने के बजाय वो खाएगा, कहते हैं ना कुलू वश्रबू मिर रिज़्क़िल्लाही वला 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 तअतदू, और तुम मतलब खाओ पियो मगर अल्लाह की नाफरमानी ना करो, हद से ना बढ़ो। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, कुल या अहलल किताब, ए अहले किताब, याद रखिए हम जो भी पूरी भी जो अरबी ग्रामर है वो तीन चीज़ों पे बेस करती है, हर इसम, फेल और हरफ। इसम को नाउन कहते हैं इंग्लिश में, हरफ को लेटर्स कह लीजिए, और फेल को वर्ब कहते हैं। तो पूरी अरबी ग्रामर इन्हीं तीनों चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। इतनी सी बात अगर आपको जहन में रहेगी तो आपके लिए कभी मुश्किल नहीं होगी। पूरा इल्मी जो अरबी ग्रामर है दो हिस्सों में डिवाइड कर दी गई, इल्मु नहव और इल्मु सरफ, ठीक है। ये टर्म है वो बाय द टाइम आपको याद भी हो जाएंगी, समझ भी हो जाएगी, ठीक है। इल्मु नहव जिसमें हम अस्मा की बहस देखते हैं, इल्मु सरफ के अंदर अफाल की बहस को देखा जाता है। इल्मु नहव जैसे आप लेटर्स को ज्वाइन करते हैं, और जैसे आप बचपन में खेला करते थे ना, हमज़ा को फिर बा से ज्वाइन किया तो एक लेटर वजूद में आ गया, जैसे मैं आपसे कहती हूँ नून शीन रा का प्लस 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 तो नुशरक बन गया, है ना, शेख बन गया। तो कहने का मकसद है ये, फिर उस लास्ट लेटर पर क्या होगा, तो उससे पूरा इल्मु नहव को डिटरमिन किया जाता है। इल्मु सरफ ये होता है कि एक फेल से दूसरा बनाना, जैसे मैं कहती हूँ बा आप बनाइए, कतला से बनाइए, फिर आप इसके मुख्तलिफ सीगे बनाते हैं, कातिलुन मकतूलुन इसी तरह कतीलुन। तो मेरे कहने का मकसद है जो एक ही वर्ब से मुख्तलिफ आप सीगे बनाते जा रहे हैं, तो ये इलम सरफ के अंदर आ जाता है। तो पूरी अरबी ग्रामर तीन चीज़ों पर बेस करती है, इसम, फेल और हरफ। बस ये तीन चीज़ें आपकी अगर जहन में रह जाती हैं, नाउन वर्ब एंड लेटर्स। नाउन क्या होता है, आज हम थोड़ा सा नाउन को देखेंगे, और सिर्फ नाउन को देखते देखते हम उसके डिफरेंट जिसे कहा जाए पूरा इल्म नहव्स को सीख लेंगे। सिर्फ इसमें आपको जहन में इस बात को रखना है कि नाउन आपको बचपन से डेफिनेशन पता है ना, वो क्या है, नाउन इज़ द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस थिंग, और वो किसी की क्वालिटी भी हो सकती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, ठीक है। जैसे हम कहते हैं काला गोरा, हाँ अच्छा बुरा, ये सब उसकी किसी भी इंसान की क्वालिटी होती है, किसी जगह की क्वालिटी हो सकती है ना। तो किसी भी जगह शहर चीज़ों के नाम या उसकी सिफात बेसिकली इसम कहलाता है। इसम को कुछ पहचान होती है जिसके ज़रिए से मैं और आप उसको डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ पहचान बताती हूँ जिससे इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी कि आप इसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो इसम को कैसे पहचानेंगे जी, इसम को आप कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए इंशाल्लाह मैं आपको कुछ अलामतें बता रही हूँ जिससे इंशाल्लाह आप इजीली इसम को पहचानेंगे, ठीक है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग करती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए वो चीज़ों के हवाले से, ठीक है। हाँ तो अब आप देखिए इसम को आप कैसे पहचानेंगे, इसम की पहचान के लिए कि हमेशा इसम के लिए सबसे पहले तनवीन, अगर आपके लफ्ज़ के आखिर में तनवीन आती, जैसे आप देखते हैं रजुलन, ठीक है, इसी तरह कहते हैं किताबुन, इसी तरह आप कहते हैं जिसे कहा जाए खालिदुन, इसी तरह आप कहते हैं अरबाबुन, है ना। तो आप सबके एंड में देख रहे हैं तनवीन आ रही, तो जिस भी लफ्ज़ के एंड में तनवीन आ जाए वो ऑलवेज इज़ द साइन ऑफ द नाउन, ठीक है। फिर लफ्ज़ के शुरू में अल आ जाए, जैसे हम कहते हैं अल कलमु, अल किताबु, हाँ इसी तरह अल मुफसिदु, इसी तरह आप कुछ भी कह लीजिए लाइक अल अतौरातु, अल इंजीलु, ये सारे अल जो आएंगे ये सिर्फ इसम की पहचान है। लफ्ज़ के आखिर में राउंड ता आ जाए, गोलता जिसे कहा जाए, गोलता क्या होती है कि बेसिकली जिसको हम अरबी में ताए मरबूता कहते हैं, और जिसे कहा जाए राउंड ता जिसे कहा जाए, ये हमेशा इसम की पहचान होती है, जैसे लैलतुन आयतुन, इसी तरह जिसे कहा जाए बय्यिनतुन, आपने देखा है ना, तो ये सारी क्या है जैत आखिरतुन आखिरतुन जन्नतुन, हाँ। तो ये तीन चीज़ें आपके टिप पर आ गई,
ठीक है, लफ्ज़ के आखिर में तनवीन, लफ्ज़ के आखिर में ताए मरबूता, और लफ्ज़ के शुरू में क्या आ जाएगा, अल। इसी तरह लफ्ज़ के शुरू में अलिफ ता आ जाए, ठीक है, ओपन ता आ जाए, आयतुन बय्यिनातुन, ठीक है। इसी तरह आप देख लीजिए आखिरातुन, ठीक है, जन्नातुन, अलिफ ता आ गई ना, तो ये भी इस्म की अलामत होती है। और इसी तरह आप कह लीजिए कि लाइक इस्म की अलामत ये भी होती है कि जैसे अभी आप अपनी कुरान मजीद में देख रहे थे कि लाइक मैंने आपसे कहा था कि अभी मैं इंशाल्लाह दूसरी शेयरिंग करती हूँ तो फिर इसको स्टॉप करती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह हम किताब की आयत को देखेंगे तो बात समझ आ जाएगी इंशाल्लाह जी। तो अगर आप इसमें देखिए कि ट्रांसलेशन में जो हम कर रहे थे कि या अहलल किताब, तो या भी आ जाए इसम से पहले, या ये भी क्या है, हरफुन निदाई, हरफुन निदाई, ठीक है, तो या भी हमेशा इसम से पहले आता है, तो ये चौथी अलामत हो गई। या हम कहते हैं जैसे उर्दू में भी हम लोगों को पुकारने के लिए अपने अल्फाज लेटर इस्तेमाल कर, ए लड़के ए लड़की इधर आओ, जिसको हम नाम नहीं जानते लेकिन जिसको जानते हैं तो उसको तो नाम से ही पुकारते हैं ना, तो अरबों के यहाँ भी पुकारने के लिए या का लेटर, अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में या का लेटर इस्तेमाल किया, लेकिन और भी लेटर्स इस्तेमाल होते हैं अरबी में, लेकिन यहाँ कुरान मजीद में हम सिर्फ या को पढ़ेंगे, ठीक है। याद रखिए या के बाद जिसको पुकारा जाता है वो सिंगुलर भी हो सकता है और कोई कंपाउंड की शक्ल में भी होता है। सिंगुलर क्या है, जैसे मैं कहती हूँ, जैसे मैं आपसे कहती हूँ या रजुलू, अब ये सिंगुलर है, या वलदु, या ज़ैनबु, या इब्राहिमु, है ना, ये सिंगुलर है। लेकिन अगर आप गौर से अपनी अपनी इसके अंदर देखें, मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा पेंसिल इस्तेमाल करती हूँ ताकि आपके लिए इंशाल्लाह थोड़ा सा रहे जी। तो अगर आप इसके अंदर देखें इंशाल्लाह तो आपको समझ आएगा, आपको ये समझ आएगा कि इंशाल्लाह के क्या कहते हैं ये जो अहलुल के या अहलुल किताब है, मैं एक सेकेंड देखूं कि पेंसिल कहाँ से है, एक सेकेंड जी। चलें इसमें इंशाल्लाह, तो फिर अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि वैसे ये अहलुल किताब था, लेकिन जब या लग गया तो याद रखिए या की वजह से ये क्या बन गया, ये बन गया अहलुल किताब। किसी जिसको पुकारा जाता है वो सिंगुलर भी हो सकता है और वो कंपाउंड की शक्ल में भी हो सकता है, राइट। लेकिन जब कंपाउंड की शक्ल में होता है तो याद रखिए या का कोई इफ़ेक्ट होगा, और वो क्या होगा, पहले वाले वर्ड पर होगा। देखिए अहलल किताब, किताब वाले, अहले किताब, जिनको किताब, जिनके पास किताब का इल्म है, किताब रखने वाले, राइट, है ना, बात समझ आ रही है। तो अहल एक वर्ड है, अल किताब एक वर्ड है, तो एक वर्ड दूसरे वर्ड के ऊपर चढ़ गया तो ये मुरक्कब बन गया, ठीक है। और ये मुरक्कब मुरक्कब इजाफी है, क्यों, क्योंकि अहल की नस्बत किताब की तरफ की जाती है, तो जब दो कंपाउंड, दो नाउन की आपस में रिलेशनशिप हो जाए, आपस में बॉन्डिंग हो जाए, आपस में मुताबकत हो जाए, आपस में को रिलेशनशिप हो जाए, तो ये जो कंपाउंड पोजेस और पोजेसर, ये कहलाता है मुरक्कब इजाफी। और जब मुरक्कब इजाफी से पहले या लग जाए तो याद रखिए इसका असर जो होगा पहले वाले इस्म पर होगा, असल में अहलुल किताब था, हर इस्म कोई भी नाउन होना, अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमान जी, तो हर जो जो भी जितने भी हम पढ़ते हैं ना, जितने भी हम पढ़ते हैं हालत, कोई भी ना, कोई भी अरबी के अंदर अगर अस्मा को देखा जाए तो वो हालत रफा में होता है। ये नहीं होगा कि कलमन कलमन ही कलमुन ही रहेगा, किताबुन रहेगा, फातिमा तू रहेगा, इब्राहिमू रहेगा, उसको उसको किसी भी फतहा में जाने की या कसरा में जाने का कोई ना कोई रीज़न होगा, सबब होगा, वलदुन वलदुन रहेगा, वलादन वलादिन, रजुलुन रजल रजुलन रजुलिन, लैलतुन लैलतन लैलतन, ठीक है, अलकलमु अलकलमा अलकलमी, बात समझ रहे, मैं लास्ट लेटर की हरकत चेंज करती जा रही हूँ, इसका कोई ना कोई रीजंस होता है जिसकी वजह से हरकत चेंज होती है। तो ये असल में था अहलुल किताब, या लग गया तो जो पहला वाला वर्ड था अहल, इसको हम अरबी में कहते हैं मुदाफ, अल किताबी मुदाफिर मुदाफिल,
तो ये क्या बन गया? मुदाफ मुदाफिलाई, ठीक है ना, मुदाफ मुदाफिलाई। तो ये जो अब या जब किसी, ये मुरकब इजाफी बन गया, इससे जब ये या इससे पहले आएगा तो वो मुदाफ पर एक्ट करेगा, लेकिन मुदाफ इलाई को कुछ भी नहीं करेगा, वो हमेशा जरी हालत में ही रहेगा। जरी हालत का मतलब क्या है कि उस पर कसरा ही रहेगा, अल किताबी ही रहेगा, किताबा या किताबू नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि मुदाफ इलाई ऑलवेज मजरूर होता है। ठीक है, अब ये बात आपको समझ नहीं आ रही होगी मजरूर की टर्म क्या है, मैं इंशाल्लाह लेटर ऑन आपको बताऊंगी। अभी अपने जहनों में सुनते सुनते रहिए, इंशाल्लाह हम स्लोली और ग्रेजुअली ग्रामर को दाखिल करते जाएंगे और तजवीद को थोड़ा थोड़ा कम करते जाएंगे, क्योंकि हमने काफ़ी हद तक तजवीद को देख लिया ना। इंशाल्लाह थोड़ी सी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह लेटर ऑन आहिस्ते आहिस्ते करवाते जाएंगे ना, साथ साथ दो दो तीन तीन आयात को लेकर। तो अहलल किताब के अंदर क्या आपको मैंने बताया कि तीन अला चार अलामतें तो आपको नजर आ रही नहीं, ठीक है। अब मैंने आपको क्या पांचवी बताया, या आ जाए, ठीक है। और या अगर किसी सिंगुलर से पहले आता है, मुफरद से पहले आता है, वाहिद से पहले आता है, तो क्या होगा? जैसे रजुलुन से, रजुलुन तनवीन है लास्ट लेटर पर, या वलदुन, ठीक है, लास्ट लेटर पर तनवीन है। अब मैं या लगाऊंगी तो तनवीन हट जाएगी, या रजुलू, या वलदू, या बिंतु, बात समझ आ रही है? बिंतुन से बिंतु, इब्नुन से या इब्नु, बात समझ आ गई? सेम इसी तरह या जब किसी कंपाउंड में दाखिल होता है, कंपाउंड मुरक्कब, राकबा एक एक वर्ड का दूसरे वर्ड के ऊपर सवार हो जाना, वैसे तो अहलुल किताब या दाखिल हुआ तो इसने मुदाफ पर इफेक्ट डाला, अहलू से अहला कर दिया। और अल किताब, हमेशा याद रखिए दो इसम की आपस में नस्बत, रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, इसमें से पहले वाले इसम को मुदाफ, दूसरे को मुदाफ इलैह कहते हैं। ये जो आपस में ताल्लुक़ है ना, ये मुदाफ मुदाफ इलैह, ये एक कंपाउंड वजूद में लाता है जिसको मुरकब इजाफी कहते हैं। आपको यहीं पर अगर छोटी सी बात जहन में डलवा दूं कि आपको याद रह जाए कि मुदाफ पर कभी भी अल नहीं आएगा और ना ही तनवीन आएगी, और मुदाफ इलैह ऑलवेज मजरूर रहेगा। बस ये दो प्रिंसिपल मुरकब इजाफी यानी कंपाउंड, ये जो एक हम इंशाल्लाह डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड पढ़ेंगे, जब सिंगुलर होता है, मुफरद होता है वर्ड तो कैसे होता है, और कंपाउंड की शक्ल में आता है तो कैसे होता है। अभी हम सिर्फ दोनों चीज़ों को साथ साथ देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे या इससे पहले लग गया और ये कंपाउंड से पहले आए जो कि मुरकब इजाफी है, बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो या अहले किताब क्या हो गया, ए अहले किताब, ठीक है। तो अब ये अल किताबी मुरकब इजाफी में ये मुदाफिले है, ये ऑलवेज ऑलवेज मजरूर होगा, इस पर कसरा आएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो हमने कितनी अलामतें पढ़ ली इस अस्मा की पहचान में, तनवीन, अल, ताए मरबूता, अलिफ ता, या, और पांचवी अलामत हो गई। छठी अलामत क्या होगी, याद रखिए जब भी कोई भी कंपाउंड जो आपस में एक दूसरे के साथ बिलोंगिंग को जाहिर करते हैं, जैसे हमने कहा अहलुल किताब, ठीक है, तो याद रखिए ये भी इसम की पहचान होती है। जैसे मैं कहती हूँ किताबुल्लाही, ये इसम की पहचान है, अल्लाह की किताब, किताब, रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल, यानी रसूल की बिलोंगिंग अल्लाह के साथ है कि वो अल्लाह के रसूल है, बात समझ आ गई? तो ये भी अस्मा की पहचान होती है, ये भी अस्मा की पहचान होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 पहचान जो आपको दी है, इंशाल्लाह इसको जहन में रखिएगा। इसके अलावा एक और पहचान होती है, हुरूफ जारा लग जाए शुरू में ना, अस्मा से पहले कुछ ऐसे लेटर्स आते हैं जिनको हुरूफ जारा कहा जाता है, तो ये इनका, ये एक एक्टिव लेटर्स होते हैं, जब ये अस्मा से पहले आते हैं तो उनको जर दे देते हैं, उनको कसरा दे देते हैं, आसान से अल्फाज में अभी कह लीजिए, लेकिन जो एक्चुअल टर्म है वो जर दे देते हैं। वो कैसे, आगे वाली एग्जांपल में आ रहा है, तआलो, ये वर्ब है, अभी हम वर्ब को नहीं छुएंगे, हुक्म दिया जा रहा है आओ, इला कलिमतिन, तरफ एक कलमे के, ये इला है ना, असल में ये क्या था, कलिमतुन था, लेकिन कलिमतिन कैसे बन गया, इला की वजह से। ये जो इला है इसका फंक्शन ये होता है कि हमेशा इसम से पहले आता है, कभी वर्ब से पहले नहीं आ सकता, तो ये भी वन ऑफ द साइन होती है इसम की, ठीक है। इला कलिमतुन, असल में ये क्या था, कलिमतुन था, लेकिन इला इला की वजह से कलिमतिन बन गया, ठीक है। तो लिहाजा आपने कहा तरफ इला, तरफ कलिमतिन, एक कलमे के,
ठीक है, तो अब आपने सात अलामतें पढ़ ली इसम की। नंबर वन तनवीन, नंबर टू तनवीन, और याद रखिए ताए मरबूता दोनों एंड में आते हैं और अलिफ ता भी एंड में आता है। शुरू में क्या चीज़ें आ जाती हैं? अल शुरू में आ जाता है अस्मा से पहले, हाँ, अगर लग जाए अल, या शुरू में क्या लग जाता है जिसे कहा जाए हुरूफ़े जारा, और इसी तरह हरफे नदा या भी शुरू में आता है। और फिर आठवीं चीज़ क्या आती है? दो इसम की आपस में रिलेशनशिप। चलिए सवा इन, अब आप देखिए आप खुद से बता सकती हैं तनवीन आ रही है एंड में, आपको पता है कि ये इसम में बराबर है। बेना ना, ये भी इसम में दो कंपाउंड मिल रहा है बेना और ना। याद रखिए ज़रूरी नहीं होता कि दो इसम की जो आपस में ताल्लुक है उसमें हमेशा दो इसम ही आपस में मिले। हम अक्सर इसम की जगह नाउन की जगह प्रोनाउंस भी इस्तेमाल कर लेते हैं ना, जैसे मैं कहती हूँ अफशा आई, अफशा बैठी, अफशा ने खाया, अफशा ने पिया, तो ये तो हम क्या कहते हैं? हम ये तो नहीं कहते, हम तो कहते हैं अफशा आई, उसने खाया, वो बैठी, उसने लिया। तो हम इंस्टेड ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन, राइट? तो बेना ना, तो अभी हमने इसमें बेना ये इसम था और दूसरा भी ना ना इसम था, जो कि हमने इसम की जगह उसकी जमीर को इस्तेमाल कर दिया, प्रोनाउन को इस्तेमाल कर दिया। बेना दरमियान, ना हमारे, ठीक है, वह बेना कुम और बेना दरमियान कुम तुम्हारे, अल्लाह की ना, नाबुदू हम इबादत करें। अगर ये नून लग गया इससे पता चल रहा है कि ये फेले मुदारे है। अगर आबुदू होता मैं इबादत करूँ, ठीक है, इसी तरह याबुदू वो इबादत करें, ताबुदू तुम इबादत करो, तो है ना, करते हैं तुम इबादत, तो यहाँ पे हम इबादत करें। इल्ला मगर अल्लाह, अल्लाह की, ये हरफ इस्तिस्ना है। अल इल्लल्लाह, जैसे हम कहते हैं ना इल्लल्लाह, तो ये यहाँ पे इल्ला बेसिकली हरफ इस्तिस्ना है, और इसका फंक्शन ही होता है अपने बाद वाले इसम को नसब ज़बर दे देता है आसान से अल्फाज में। अभी सिर्फ ज़बर को जहन में रखिए, नसब एक्चुअल टर्म में आता है, ठीक है, अल्लाह की। मगर इल्ला मगर अल्लाह की, वला और ना नुशरीका हम शरीक करें, ठीक है, ना नून की वजह से। हम आप कह लीजिए कि ये फेले मदारे शुरू में या था हमजा नून लग जाए तो फिर हम इसको हम ऐसे नहीं कर सकते, हाँ हम शरीक, हमने शरीक किया, गलत हो जाएगा मीनिंग, ठीक है, हम शरीक करें भी ही। मैंने आपसे कहा था ना बी बी है, या लाइक इला है, हत्ता है, अन है, फी है, ये सारे हुरूफ़े जा रहे हैं और इसके साथ एक ज़मीर लग गई बी साथ ही इसके, क्या शई अन किसी चीज़ को, वला और ना यत्तखिज़ा और ना शई अन भी देखिए ऐसे में उसके अंदर पहचान है, लास्ट लेटर पे तनवीन आ रही है। यत्तखिज़ा बनाई बादुना बाज हमारी, बादन बाज को अरबाबन यानी रब, मिन दूनिल्लाही अरबाबन में देखिए, अच्छा बादुना ये कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है? जो भी हमने पढ़ा था दो इसम के नस्बत, ठीक है, इंशाल्लाह आगे जाके लेटर ऑन बताऊंगी इसका स्पेसिफिक नाम, लेकिन फिलहाल आप कह लीजिए दो इसम के नस्बत मुरकब इजाफी की तरह इंशाल्लाह, ठीक है। बादा, तहता, खल्फा, इमामा, अमामा, ये सारे भी अस्मा होते हैं। बादन बास को अरबाबन रब, क्योंकि ये अरबाबन रब की जमा है। मिन दूनिल्लाही, मिन दूनी मुरकब जारी, याद रखिए अगर इसम से पहले लेटर आ जाते हैं मिन फी इला हत्ता अला, ठीक है, ली, तो याद रखिए उसके बाद जो इसम आता है ना ये कंपाउंड बन जाता है जिसको मुरकबे जारी कहा जा रहा है। अदूनिल्ला ये कौन सा कंपाउंड बन जाएगा? मुरकबे इजाफी, ठीक है। फ़ाइन तवल, मिन दूनिल्ला ही सिवाय अल्लाह के, फ़ाइन फिर अगर तवल्ला वो मुँह फेर जाए, फ़कूलू तो कह दो, क्या कह दो? अशहदु, ठीक है, अशहदु गवाह रहो, ठीक है, अशहदु गवाह रहो, ये भी जिसे कहा जाए अमर का सीगा है, अमर का सीगा है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे ग्रामेटिकली इंशाल्लाह लेटर ऑन। बे अन्ना के बेशक, ना हम मुस्लिमून फरमा बदार हैं, मुस्लिमून फरमा बदार, ये भी इसम है, कैसे पता चल रहा? याद रखिए शुरू में जब मीम आ जाता है ना, जैसे मुस्लिमून, मोमिनून, मुशरिकून, ये भी इसम की अलामत होती है। अमूमन फेल के शुरू में मीम नहीं आता इस अंदाज से ना, तो फरमा बदार, और ये जमा भी है ना वाउन। देखिए ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह वो लेटर ऑन आप सीखेंगे,
लेकिन थोड़ा थोड़ा चीज़ों को देखिए, या अहलल किताब इसको हम कर चुके हैं, अहले किताब लिमा क्यों तहजूना, तुम झगड़ा कर दो, ये भी फेले मुदारे हैं, ठीक है, ये भी खास वर्ब की कैटेगरी में जाएगा इंशाल्लाह। जब हम अफाल पढ़ेंगे उसमें दो बड़ी कैटेगरी होती है लेटर के एतबार से, सुलासी मुजरद और मजीद फी, या हाजा यू हाजू से, तो हाजू ये जिसे कहा जाए एक खास कैटेगरी है, बाबे तफे बाब है एक खास, इंशाल्लाह लेटर ऑन आपको बताऊंगे इंशाल्लाह। फी इब्राहिम, इब्राहिम के बारे में, देखिए असल में तो इब्राहिम होना चाहिए, ये इब्राहिमा कैसे हो गया फी की वजह से। तो फिर जितने मैंने तो आपसे कहा था कि जितने भी हरूफ जा रहा है, चाहे वो फी है, इला है, हत्ता है, अन है, या इला है, या अला है, या ली है, वो तो कसरा देते हैं, इस पर फतह क्यों आ रही है? तो याद रखिए, थोड़ी सी मैं आपके सामने यहाँ पे एक बात रख देती हूँ ताकि इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देखें, ठीक है, थोड़ी सी चीज़ को इंशाल्लाह आपके सामने रखते, इसको देखिएगा, मैं आपके साथ थोड़ी सी एक जो एक चीज़ को शेयर करती हूँ। हाँ, तो मैं आपके सामने ये बता रही थी कि आप इस आपको नज़र आ रहा होगा इंशाल्लाह लजीम, कि देखिए इसम की हालत होती है ना, इसम को हम उसको डिफरेंट हालतों में पहचानते हैं कि कौन सी केसेस है, जिसको इंग्लिश में केसेस कहा जाता है, कि ये फाइली हालत है जिसको हम हालत रफा या मरफू कहते हैं, ठीक है, सेम इसी तरह हम कहते हैं मफूली हालत जिसको हम मंसूब या हालत नसब कहते हैं, सेम इसी तरह इजाफी हालत जिसको हम कहते हैं मजरूर या जरी हालत। फाइली हालत ऑब्जेक्टिव है, मफूली सॉरी सब्जेक्ट है, मफूली हालत ऑब्जेक्ट और इजाफी हालत पोजेशन को जाहिर करता है। तो कहने का मकसद क्या है कि ये आप इसके बगैर असमा को समझ नहीं सकते, ये बेसिक है, ठीक है, और याद रखिए इराब को हम पहचान ही नहीं सकते, एक होता है हरकत और एक होता है इराब। हरकत क्या होती है? हर लेटर की हरकत हरकत होती है, जैसे मैं आपसे कहती हूँ उनजीलत, तो हमजा पे दम्मा आ रही है, नून पे जज़्म आ रही है, ज़ा के नीचे कसरा आ रहा है, लाम पे फतह आ रहा है, ता पे जज़्म आ रहा है, लेकिन इराब क्या है? एक खास लास्ट लेटर की हरकत अहम है। इराब में क्या है कि मुख्तलिफ अंदाज में इसकी डेफिनेशन है, आसान से अल्फाज में बस आप इतना समझ लीजिए कि लास्ट लेटर जो है ना की हरकत बेसिकली ये एक तरह से इराब को शो करती है। जैसे मैं कहती हूँ मुझे पता नहीं चलेगा, अगर इब्राहिमा है ये इसका इराब बता रहा है कि ये इब्राहिमा इब्राहिमो इब्राहिमा, तो लास्ट लेटर पे जो माँ मुँह चेंज हो रहा है ये बहुत अहम है, इससे आप डिटरमिन करते हैं कि हालत रफा है यानी फाइली हालत है, नसबी हालत है, मफूली जिसको आप कहते हैं, या इजाफी यानी जरी हालत है। तो याद रखिए इस अंदाज से आप एक चार्ट बना लीजिए, ठीक है, उससे फ़ायदा क्या होगा आपको? उससे फ़ायदा ये होगा इंशाल्लाह कि आप इस अंदाज से इसम की हालत के तीन चार्ट बनाएंगे और फिर उसके बाद उसमें आप इंशाल्लाह लिखेंगे, जैसे हालत रफा नसब जर, ठीक है, अब रफीकुन जैसे हमारे पास है ना, तो हालत रफा में क्या होती है? हमेशा तनवीन आएगी, कौन सी तनवीन आएगी? वाहिद के अंदर दम्मा की तनवीन, नसब के अंदर फतह की तनवीन, लेकिन अलिफ का इजाफा भी किया जाएगा। वाई वी आर एडिंग द अलिफ? बिकॉज आप इसके रीज़न डालेंगे कि दिस इज़ द राइटिंग अरबी राइटिंग रूल्स, कि हम जब भी नसबी हालत देखते हैं कुरान मजीद में भी आप देखेंगे कि अलिफ उसके साथ ऐड होती है, जिसको आप कहते हैं ना कि मद्दुल इवद, आप इसी तरह रोकते हैं रफीक है ना, कैफी रो है ना, तो हमेशा नसबी हालत में इसको पढ़ा नहीं जाता, लेकिन जब आप इसको रोकते हैं तो मद्दुल इवद के तौर पर रोकते हैं, तो नसबी हालत क्या है? फतहतैन, ठीक है, जरी हालत क्या है? दो कसरतैन। तो अब मैं आपसे कहती हूँ काफिरुन की बनाइए, काफिरुन काफिरुन काफिरिन, आबिदुन आबिदन आबिदिन, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमन, ठीक है, मुशरिकुन मुशरिकन मुशरिकिन, लेकिन जब भी आप नसबी हालत लिखेंगे अलिफ के इजाफे के साथ लिखेंगे, अलिफ को अटैच करके लिखेंगे, इतनी बात समझ आ गई। लेकिन जब हम मैंने आपसे कहा कि फी यानी इसका फंक्शन तो ये होता है, ये हुरूफे जा रहा है, इसका फंक्शन तो ये है कि वो बाद वाले अपने बाद जो भी नाउन आ रहा है उसको 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 कसरा देगा, जर देगा, लेकिन हम देखते हैं इब्राहिम, हमें ये तो पता चल रहा है ये तो फतह है, ये तो उसकी नसबी हालत है, क्योंकि हमने
हमने देखा कि नसबी हालत में फतह तईन होती है। तो बात सारी क्या है, इतनी बात को जहन में रखिए कि कुछ अस्मा ऐसे होते हैं जो मुअर्रब होते हैं, वो हर हालत में चेंज हो जाते हैं, यानी उन पर हर तरह का इराब आता है, तन्मीन भी आएगी, चाहे वो फतह की तन्मीन हो, जैसे हमने कहा काफिरुन काफिरुन काफिरन, है ना, इसी तरह अलकाफिरु अलकाफिरु अलकाफिरी। लेकिन कुछ ऐसे अस्मा होते हैं जो कि जिसे कहा जाए जिन पर ना तन्मीन आती है और ना ही कसरा आती है, और वो अस्मा गैर मुनसरिफ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मुनसरिफ क्या होंगे? तीनों हालतों में बदलते हैं, यानी हालत रफ़ा भी होगी, नसब भी होगी, जर भी होगी। लेकिन जो गैर मुनसरिफ होंगे उन पर आप देखेंगे कि ना ही तन्मीन आएगी और ना ही कभी भी कसरा आएगी। जैसे आप देखिए इब्राहिम, अब आप, मैं आपसे कहती हूँ गैर मुनसरिफ अस्मा की बनाइए किरदान, तो उसमें जो जो वर्ड आते हैं उसमें इब्राहिम इब्राहिम इब्राहिम, मक्कतु मक्कता मक्कता, नसबी और जरी हालत दोनों क्या है, सेम नज़र आ रही है। मरियम मरियम मरियम, इसराइल इसराइल इसराइल, अहमर अहमर अहमर। तो ये एक तरह से क्लासिफिकेशन है इराब के एतबार से कि कुछ मुनसरिफ होते हैं, कुछ गैर मुनसरिफ, और आगे जाके आप पढ़ेंगे मबनी भी होते हैं, ठीक है ना। तो जो गैर मुनसरिफ अस्मा होते हैं आपको बस इतनी बात जहन में रखनी है कि उन पर तनवीन नहीं आएगी और ना ही उन पर जैसे कहा जाए कसरा आएगी, जैसे ज़ैनबू ज़ैनबा ज़ैनबा, ठीक है ना। लेकिन आप देखिए अल्लाह के नबी का नाम है महम्मदुन महम्मदन महम्मदन, तीनों हालतों में चेंज हो रहा है, मुनसरिफ है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप देखते हैं इब्राहिमों को देखिए मरियमों को देखिए, तो ये सारे नाम गैर मुनसरिफ है, इसीलिए इनकी जो नसबी और जरी हालत है ना, तो अब ये फ़ी इब्राहिम देखने में तो फतह नज़र आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि फ़ी का फंक्शन ये होता है कि वो उसको कसरा देगा, लेकिन इसका कसरा फतह के साथ शो हो रहा है क्योंकि इस पर कसरा आ ही नहीं सकती। वाई? बिकॉज दिस इज़ द गैर मुनसरिफ, ठीक है, इसी वजह से हम कहेंगे कि इस पर कसरा नहीं आ सकती, लेकिन ये कि जो फतह है ये इटसेल्फ जिसे काजा बता रहा है कि ये जरी हालत है क्योंकि इससे पहले फी लग गया, ठीक है, फी इब्राहिम, अब ये पता चल रहा है कि इसकी जरी हालत है क्योंकि इसमें नसब और जर में दोनों तरह का इराब सेम होता है। अब हम कंफ्यूज होते हैं जब कभी इब्राहिम आता कि भाई इब्राहिम हालत रफा, इब्राहिम हालत नसब, इब्राहिम हालत जर, हम कंफ्यूज होते कि कौन सी हालत है, याद रखिए ना। तो ऐसे मौके पर हमें पता चल जाएगा कि अगर उससे पहले ऐसे लेटर आ जाए जो उसको जर दे दे तो उस वक्त हम कहेंगे जरी हालत है। अगर सिर्फ होता तो हाजूना इब्राहिम तो फिर हम फी को नहीं लेते, हम कहते इब्राहिम इसकी नसबी हालत है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी, ठीक है ना। तो अब आपने इसको देखना है, तो अब इंशाल्लाह मैं आपके सामने तर्जुमा को इंशाल्लाह कर देती हूँ, जितनी बात समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसान कर देंगे। तो जी मैं स्क्रीन शेयरिंग कर देती हूँ। हाँ, तो हमने यहाँ तक देख लिया था कि जी तो हाजूना यहाँ तक हमने देख लिया फी इब्राहिम इब्राहिम के बारे में, वमा वाओ हालिया भी आती है, वाओ अतफ़ की भी आती है, वाओ कई अंदाज से आती है, वाह 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 हालांकि माँ नहीं उनजिलत उतारी गई तौरात तौरात वल इंजील और इंजील। देखिए दोनों में इसम की अलामत मौजूद है, वैसे भी नाम है और अलामतें मौजूद है, इल्ला मगर मिम बादी मिम बादी मिम की वजह से, देखिए बादू से बादी हो गया, मिन का काम ही है जर दे देना, बाद उसके ही का मतलब उसके, अफला आ क्या, ये एक तरह से इस्तेफामिया है, सवाल है, क्या अफला क्या भला नहीं, ताकिलून तुम अकल रखते हैं, तुम अकल ता की वजह से तुम अकल रखते फेल मुदारे हैं, हा अन तुम हा तुम हा उलाई वो लोगो हा जज तुम झगड़ा किया तुमने, ये भी वर्ब आ गया हा उलाई और हा अन तुम, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इशारा कहलाता है, इसमें इशारा की कैटेगरी अभी नहीं पढ़ रहे, पहले हमने जितना पढ़ा हम उसको अच्छी तरह ग्रैप कर लें, अच्छी तरह जहनों में लाएं, फिर आगे जाएंगे। हा जज तुम झगड़ा किया तुमने फ़ी माँ, अब देखिए फ़ी और माँ ये पूरा एक मुरक्कब है और मुरक्कब जारी
नहीं है, फी मा, मा इस मामले में जो मा मौसूला का है, फी जो है हर्फ है, लखुम ये भी पूरा मुरकब जारी है, असल में ली होता है, हरूफ जारा जैसे हम कहते हैं ना लिल्लाही अल्लाह के लिए, बिस्मिल्लाही या जिसे कहा जाए लिल किताबी, तो ये याद रखिए अगर यही ली ला बन जाता है पढ़ने की आसानी के लिए जब ये प्रोनाउन से पहले आता है, ठीक है। लिखुम को पढ़ना मुश्किल है, लखुम पढ़ना आसान है ना, तो लखुम तुम्हारे लिए भी ही, ये भी मुरकब जारी। जिसका इल्मुन कुछ इल्म, देखिए तनवीन आ गई आपको पहचान हो गई, फलीमा तो क्यों तो हाजूना तुम झगड़ा करते हो, फीमा उस मामले में जो लैसा नहीं है, लखुम तुम्हारे लिए भी अगेन मुरकब जारी है, भी ही ये भी मुरकब जारी। जिसका इल्म कोई इल्म, वल्लाहु और अल्लाह यालम जानता है, वह तुम और तुम ला तालमुन तुम नहीं जानते, माँ ना काना थे इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अब देखिए यहाँ पे इब्राहिम, अब ये हालत है कौन सी, आप फौरन कहेंगे दम्मा को देख के इब्रा रफ़ई हालत है, यहूदियन यहूदी ये कौन सी हालत है, नसबी हालत है क्योंकि फतह की तनवीन है, वला और ना नसरानियन ये भी आपको पता है नसबी हालत है, फतह की तनवीन आ रही है, वलाकिन और लेकिन काना थे वो हनीफन ये भी नसबी हालत है, यकसु मुस्लिमन मुसलमान दोनों हालत नसब है, वमा और ना काना था थे वो मिनल मुश्रिकीन मुश्रिकों में से, ये भी मुरकब आ गया, मुरकबे जारी मुरकबे जारी। इन्ना बेशक औलन्नास करीब तर लोगों में से, औला कहते ना औला लकाफा औला, यानी जो भी करीब जैसे औला कहते ना जैसे बहुत क्लोजेस्ट करीब तर अन्नास लोगों में से बे इब्राहिम, अब ये देखिए अब ये बी भी लग गया, ये बी का बी ने इसको जरी हालत दे दी, बाज़ औक़ात बी लगाया जाता है कलाम के अंदर स्ट्रेस देने के लिए, इब्राहिम के लल्लज़ीना अलबत्ता वो है, लाम लग गया ये ताकीद का है बहुत ज़्यादा, अलबत्ता वो हैं जिन्होंने इत्तबाऊ पैरवी की हो उसकी, वहाज़ा और ये अन्नबी नबी, वल्लज़ीना अन्नबीयू देखिए नबीयो हालत पता चल रहा है ना दम्मा आ रही लास्ट लेटर पर, ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये नबी, वल्लज़ीना और वो जो आमनु ईमान लाए, वल्लाहु और अल्लाह वलीयुल मोमिनीन, देखिए वलीयुल मोमिनीन दोस्त है किसका, मोमिनों का, अब ये भी मुरक्कब है कौन सा मुरक्कब है, मोमिनों का दोस्त, वली भी इसम है अलमोमिनीन भी इसम है, दो इसम की आपस में नस्बत रिलेशनशिप बिलोंगिंग क्या कहलाती है, मुदाफ़ मुदाफिल है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि इस पर तो जर आना चाहिए था, तो याद रखिए ये जो क्या नाम है इसको हम कहते हैं लाइक आसान से अल्फाज में कह लीजिए कि ये तस्निया की हालत है ना, मैं आपके सामने इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ अगर मैं इसको ला सकती हूँ तो दिखाती हूँ कि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि लाइक वाहिद तो कुछ चीज़ें सिंगुलर होती हैं राइट, कुछ चीज़ें होती हैं जो सिंगुलर नहीं होती, ठीक है, सिंगुलर नहीं है तो वो क्या है, फिर वो क्या हो जाती हैं, फिर वो बेसिकली हो जाती हैं प्लूरल ना या फिर ड्यूअल, तो याद रखिए सिंपल सा फार्मूला है जो इंशाल्लाह आपको याद रखने के लिए आसानी हो जाएगा, तो सिंपल सा फार्मूला के लिए मैं आपके सामने इंशाल्लाह रखती हूँ, इस फार्मूले को याद रख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो कैसे है मुस्लिमीना बेसिकली एक हालत है जो मैं अभी आपके सामने स्क्रीन शेयरिंग पर दिखाती हूँ तो आपको इंशाल्लाह याद रहेगी जी। तो अब आप देखिए कि थोड़ा सा देख लीजिए जैसे रफ़ीकुन है ना, अब मुझे इसकी जमा बनानी है तो ये हालत है रफ़ा रफ़ीकुन, ये फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे बस ये लगाएंगे आप, ठीक है, ये फार्मूला है, लास्ट की क्या होगी रफ़ीकुन से सिर्फ क्या बन जाएगा तनवीन हट के एकदम रह जाएगा, वाव साकिना और नून लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा रफ़ीकुन हालत रफ़ा। अब मैं आपसे कहती हूँ नसब बनाइए इसकी इसकी नसब बनाइए जमा में, तो आप कहेंगे ये फार्मूला लगाएंगे रफ़ी
उन के बजाय काफ के नीचे कसरा आ जाएगा या साकिना नून फतहा का इजाफा कर देंगे ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा। और जरी हालत भी सेम रहेगी, जरी हालत भी सेम रहेगी, ठीक है। तो बात समझ आ रही होगी इंशाल्लाह। रफीकुन से रफीकुना, दैट्स द फार्मूला, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला है, इतना सा ये आपको इंशाल्लाह याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सिंपल सा फार्मूला है कि आपने सिंपल क्या करना है कि इस फार्मूले के अंदर के वाव नून, वाव साकिना नून मफतूहा, इसी तरह या साकिना नून मफतूहा, नसब यो जरी हालत में लगाएंगे तो रफ़ीक़ैनी रफ़ीक़ैनी बन जाएगा, आबिदुन से आबिदूना आबिदीना आबिदीना, ठीक है, फ़ासिकुन से फ़ासिकूना फ़ासिकीना फ़ासिकीना, ज़ालिमुन से ज़ालिमूना ज़ालिमीना ज़ालिमीना, ईना ऊना का साउंड आ गया। तो कहने का मकसद है, अगर आप गौर से देखें, अब अपनी किताब की तरफ आ जाते हैं, अपनी किताब में देखिए, अगर आप इसको अपनी किताब में इंशाल्लाह इसको देखते हैं तो अगर आपको नज़र आएगा कि वलीयुल मुमिनीना है ना, यही है ना, अब आपको मैं शेयरिंग के ज़रिए से दिखा रही हूँ, आप इसको देख चेक कीजिए, वलीयुल मुमिनीना। तो अब आप देखिए कि वलीयुल जी, तो वलीयुल मुमिनीना में देखिए अल मुमिनु, ठीक है, इसका वाहिद था अल मुमिना, इसकी तस्नी, इसका सॉरी इसका हालत नसब था अल मुमिनी, इसकी जारी हालत थी अल मुमिनानी, नैनी नैनी तस्निया थे रफा नसब जर अल मुमिनूना, ये इसकी कौन सी हालत हो गई रफा, अल मुमिनीन या नून लग गया या और नून मफतूहा, ये इसकी नसबी और अल मुमिनीन इसकी जारी हालत। तो हम इंशाल्लाह लेटर ऑन बताऊंगी कि इंशाल्लाह इराब की, जैसे हमने अस्मा की तकसीम मुख्तलिफ हालतों में देखते हैं ना, अभी हम सिर्फ हालत के एतबार से देख रहे हैं, बाद में हम इसम को इसम की तकसीम जो है वो जिन्स के एतबार से देखेंगे, इसम की तकसीम वाहिद तस्निया जमा के एतबार से देखेंगे, इसम की तकसीम आगे मुअर्रब और मबनी के हिसाब से देखेंगे, इसम की तकसीम आगे हम इंशाल्लाह लाइक वैसे देखेंगे मतलब उसकी सिफत के एतबार से देखेंगे, मारिफा है या नखिरा है ना, वसत के एतबार से देखेंगे। तो कहने का मकसद है वलीयुल मोमिनीन, वली क्या था इसम, मैंने आपसे कहा था ये मुदाफ है और इस पर कभी भी अल और तनमीन नहीं आई, अल मोमिनीन इस पर अल भी आ सकती है तनमीन भी आ सकती है लेकिन मस्ट है इसको हालत जर में होना। तो यह यानून हमने देखा था कि नसबी हालत में भी आता है और जरी हालत में आता है, यहाँ पे कंफर्म हो गया ये इसकी जरी हालत है। वद्दर ताइफतुन, चाहा एक गुरु ने, ठीक है, तनवीन बता रही है कि ये जिसे कहा जाए इससे में मिन अहलिल किताब, अहलिल किताब में से लव काश युदिलूनकुम, वो गुमराह कर दे कुम तुम्हें, वमा और नहीं युदिलूना वो गुमराह कर दे, इल्ला मगर अनफुसाम अपने नफ्सों को, वमा और नहीं यशऊरून वो शऊर रखते, या अहलिल किताब ए अहले किताब लिमा क्यों तक फुरूना तुम कुफुर करते हो, भी आयातिल्ला भी आयाती, ये क्या है मुरकब जारी भी लग गया इसी वजह से आयाती आ रहा है, ठीक है, मगर आयातिल्लाह ही अल्लाह की आयत, अल्लाह का ताल्लुक आयात के साथ है तो ये मुरकब क्या, इसी देखिए लफ्ज अल्लाह के नीचे कसरा आ रहा है क्योंकि मुदाफिले ऑलवेज हमेशा मजरूर होता है। तो आप क्या कहेंगे अल्लाह की आयात का, वह तुम आला के तुम तशहद तुम जानते हो। तो उम्मीद है बात समझ आ गई होगी, थोड़ा सा टाइम हमारा हमने ले लिया लेकिन ये कि उम्मीद है बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह, रूट वर्ड आप करते ही हैं इंशाल्लाह। तो अहलल किताब का देखिए अकुल काफाउलाम, अहल अहल का देखिए हमजा हालाम, तालो ऐन लाम वाओ कलीमतिन काफलामिन सवा सीन वाओ हमजा सॉरी सीन वाओ या सवी से बराबर से बैना बायानून नाबुदु आइन बादाल नुशिका नून शीन रौका शैआ शीन या हमजा यत्तखिजु हमजा खौजाल बादुना बाइन दौद अरबाबन रौबाबा तवल्लौ वाउलाम या अशहदु शीन हादाल मुस्लिमुन सीन लामीन आगे देखे तो हाजुना हाजीन जीन उनजिलत नून ज़ाइलाम आगे देखिए इंजील नून जीम लाम ताकिलून ऐन काफ लाम अहाजश तुम सेम वही वर्ड है आगे आ जाते हैं सारी आपको आते ही हैं
يهوديا هاداليا، نصراني نون صادرا، حنيفا حافا هانونفا. आगे आ जाते हैं अन्नास नून वाउ सीन सीन भी हमजा नून सीन भी है। इत्तबाउहु ताबाइन अन्नबी नून बा हमजा वली वाउ लामिया मुमिनीन हमजा मीम नून ताइफतुन ताउ वाउफा। आगे देख लेते हैं युदिल्लु दौद लाम लाम अनफुसहुम नफ्स की जमा है नून फासीन यशउरून आइन शीन यशउरून या यशरून है ना शीन शीन आइन रा ठीक है शीन आइन रा शऊर से ना। आगे देख लेते हैं बाकी इंशाल्लाह आपको आता तशहदुन शीन हादा ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अब हम अपनी आपका थोड़ा सा इंशाल्लाह तजवीद को क्विकली देख लेते हैं इंशाल्लाह अल-अज़ीम। मैं तजवीद को क्विकली आपके साथ कर लेती हूँ इंशाल्लाह अल-अज़ीम। चलिए जी आप सबको नज़र आ रहा है बिस्मिल्लाह। अब इसमें हम देखते हैं कि जी आयात को आज की आयात को थोड़ा सा देख लेते हैं। या अहलल किताब कुल या अहलल किताबे कुल क्या है आप ये देखिए कि लाम पूरा अपने मखरज के साथ टिकाइए कुल पूरा कहिए नहीं कुल नहीं कुल या पूरा बोलिए लेकिन होल्ड नहीं करना कुल ऐसे नहीं कुल या अहलल किताबी। या कौन सी मद है मद्दुल जायज़ मुनफसल है क्योंकि या अलग है अहलल किताब अलग है ठीक है। तो या मद्दुल जायज़ मुनफसल है आप इसको फोर काउंट स्ट्रेच करिए फोर टू फाइव है लेकिन हमने इसको फोर रखा हुआ है ठीक है। अहलल किताबी हा में हम से तो मेक श्योर इसमें आपको खुद अब अपना अपने हाथ को अपने माउथ के पास रखें तो आपको फील होगा आह हा एयर इज़ ब्लोइंग। हम्स वो होता है जिसमें ना एयर फ्लो होता है मुराद है कि हवा खारिज होती है ना लेकिन जो इसीलिए देखिए जब आप पढ़ते हैं ना आह आह आपको फील होगा अहलल लाम को मखरज पे पूरा टिकाइएगा अहलल की ता टू काउंट पढ़ेंगे ताउ ठीक है ता इसको भी आपने मद्दुल तभी टू काउंट पढ़ना है ता अलिफ मतिया लव लव वाउ जिसे कहा जाए वाउलीन हो जाएगा इला इला में आपका अलिफ वही मद्दुल तभी यानी टू काउंट पढ़ेंगे कली मतिन। अब आपको पता है कि सीन है तो ये अख्फा है लाइट अख्फा करेंगे तीन सौ व इम मेक श्योर कीजिएगा ये मद्दुल वाजिब मुतसल है क्योंकि हमजा इसी वर्ड का हिस्सा है। और उसके बाद आप देखिए सवा इम मेक श्योर पूरा आपका ना ये जो साउंड है आपकी तनमीम की ये पूरा सवा इम में आप देखेंगे कि मर्ज हो रही है ना तनमीम के बाद बारह तो ये क्या है ये इकलाब है ना इकलाब है। तो इंशाल्लाह इसमें भी आप उसको होल्ड करेंगे। इसका जो गुन्ना है सेकंड है नाम जिसे कहा जाए कामिल गुन्ना है ना कामिल गुन्ना बेना ना यहाँ पे आपका ये लीन आ रहा है ना टू काउंट पढ़ेंगे अगेन बेना खूम मीम साकिन के बाद हमजा आ रहा है तो आपको मीम साकिन के इजहार मीम शफ़वी अल्लाह टू काउंट नाबुदा नाबुदा इल्लाल्लाह इल्लाल्लाह में लामे जलाला हैवी रखिएगा। अच्छा नाबुदू में अक्सर लोग क्या गलती कर रहे होते हैं ना यानी आइन में तवस्सुत है तो उसकी ना उसकी जो पढ़ने की एक काउंटिंग होती है स्पीड होती है लेटर्स को पढ़ने की ना आप उसको इतना टाइम नहीं देंगे क्योंकि वो रकावा नहीं है कि आपका साउंड चलता रहे आपकी साउंड फ्लो हो रही है नहीं आवाज़ आपकी रुकती नहीं है कंटिन्यू रहेगी। लेकिन नाबुदू में तवस्सुत है तो तवस्सुत का मतलब ये कि आप इसको झटके से भी नहीं पढ़ेंगे नाबुदू ये भी गलत है क्योंकि आपने हमजा बना दिया आपने कोई इसको टाइम ही नहीं दिया तो कैसे पढ़ें हम फतहा को वाजे करते हुए नाबुदू नाबुदू तो बू पूरा गोल आपका लिप हो जाए ना नाबुदू यहाँ पे क्या है नाबुदा इंशाल्लाह इल्लाल्लाह लामे जलाला को हैवी कीजिएगा वला ला टू काउंट अलिफ मदिया आ गई नुशरी का देखिए शीन है ना तफशी है आवाज़ पहले की भी और फिर आपकी साउंड भी रखावा है ना तो कंटिन्यू रहेगी नुशरी का जितना आप टाइम शीन को दे रहे हैं एज कम्पेरेटिवली नून रा और काफ को नहीं दे रहे क्यों क्योंकि तफ इसके अंदर एक तो रखावा है ठीक है काफ हम्स का लेटर है ठीक है और रा भी रखावा का लेटर है लेकिन सॉरी रॉ जो है उसका लेटर है
क्या कहते हैं, तवस्सुत है। तो कहने का मकसद है कि नुशरी का इस पे जसम भी है ना, तो साउंड रुकने ही नहीं, फौरन ये नहीं करे आप नुशरी का, नुश आप कर भी नहीं पाएंगे इसको ना, कि आप इसकी साउंड को रोकें, ऐसा हो ही नहीं सकेगा। साउंड इसकी चलती रहेगी और आप रा को ग्रैप कर लेंगे, नुशरी का, ठीक है ना। तो ये संदा से देखिएगा, बी ही टू काउंट, ये क्या है, मदुल सिलातुल सुगरा, क्योंकि नेक्स्ट लेटर में हमजा नहीं है। शई अगर आप रोकते हैं तो मदुल इवद है टू काउंट के साथ, और अगर कंटिन्यू करेंगे तो इदगाम नाकस वना शई हमजा का साउंड वाजे करते हुए फिर आप गन्ना को लेकर आएगा। नो नॉट शई फौरन ही आपने बोल दिया तो हमजा का जो फतह की आवाज़ कहाँ गई, नहीं आ रही ना, शई अम अम, ठीक है। वला ला टू काउंट, यत्तखिज़ा खा खा के नीचे कसरा है, तो ये वैसे तो हैवी होता है लेकिन कसरा के अंदर इसकी हैवीनेस इतनी फील नहीं होंगे, ऐसा आप खी खी नहीं करेंगे, खी पढ़ेंगे। यत्तखिज़ा बेअबू, बहुत पूरा फुल ऑफ माउथ, बेअबू ना अलिफ में दिया, बेअबून बहुत पूरा दन नहीं पड़ेगा, बोन पूरा आपकी जो हनकुल आला जो ऊपर का है ना, तो दांत से लेकर जो पीछे तक का हिस्सा है पूरा आपका ऊपर की तरफ जाने लगना चाहिए। अरबाबम यानी उस पीछे की तरफ प्रेशर रहना चाहिए, अरबाबम रोहेवी अरबाबम, लेकिन हमजा मोटा नहीं किएगा, और नहीं रोटा करिएगा, बाबम। अब यहाँ पे देखिए तनवीन है ना, तनवीन के बाद मीम में मर्ज हो जाएगा, तो अरबाबम क्या बन जाएगा, इदगाम क्या हो जाएगा, इदगाम कामिल विद गुन्ना, ठीक है। आवाज़ पूरी मीम के अंदर मर्ज हो जाएगी, मिन दूनिल्लाह इख्फा हो जाएगा, रोकेंगे तो लाम जलाला पे, तो ये आपका मदुल्लेवत बन जाएगा। फ इन तवल्लो, तो यहाँ पे इख्फा गेन आ गया, तवल्लो लीन आ गया, फ़कू वो भी आपका देखिए वाव मदिया टू काउंट लुश है दू, यहाँ पे तवशी अगेन आपकी आवाज़ जबान फैलेगी, आवाज़ जबान के अंदर यानी मुराद तवशी फैल जाना, ठीक है। लुश है दू दू टू काउंट पढ़ेंगी, बे अन्ना गुन्ना मोस्ट कंप्लीट है यहाँ पे, अकमल गुन्ना है ना टू काउंट, मुस्लिमून आएगी ना, बहुत से लोग पीछे से निकालते हैं, नहीं मुसिन बिल्कुल आपकी टिप ऑफ द टंग आपके बिल्कुल जैसे ना बिल्कुल दोनों दांतों के इसके बिटवीन आने लगती हूँ, तो आवाज़ आती है एस एस एस, मुस मुस मुस्लिमून, ठीक है। तो रोकेंगे तो मून नेजल एंड में, या अहलल किताब अगेन ये मैं आपको करवा चुकी हूँ अभी शुरू, इसकी शुरू में लीमा तो हाजूना, ये जो मर्द है इसको कहा जाता है मद्दुल वाजिब मुत्तसल, सॉरी मद्दुल लाजिम कलमी मुसक्कल, इसको आपने सिक्स काउंट पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे, लीमा तो जू ना, ठीक है। तो जू पे थोड़ी सी आवाज़ एलिवेट भी नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पे नबर है, फी इसको आपने मदुल मुनफसल जायज़ मुनफसल है, इब्राहिम बाप कलकला है, वमा मदुल जायज़ मुनफसल, ऊन जिलत आपको यहाँ पे इख़फ़ार है, लाइट इख़फ़ा होगा, ऊन जी जी नॉट ज़ा है जी है, ऊन जिलत तो क्या है, वाउलीन है, रॉ हैवी होगा, रॉ टू काउंट, वल इन इख़फ़ा कीजिए, जी जी आपका या मद दिया, इल्ला अलिफ मद दिया, मीम बादी यानी आपको पता है कि ये इख़लाब आ जाएगा, तो पूरा इसका गुन्ना करेंगे कामिल, मीम बादी रुक दे, अफला ला टू काउंट, ताकिलून नॉट इसको ताकिलून नहीं ता ऐसे भी नहीं, ताकिलून, ठीक है। ताकि फतह और आइन को आप बहुत से लोग ऐसे पढ़ देते हैं, ताकिलून नहीं आइन नहीं फील हो रहा, ताकिलून में ना मुझे सिर्फ सुनाई दे रहा है कि मैंने ता पढ़ी है, तो थोड़ा सा आइन को वाजी करेंगे, ताकिलून ताकिलून, ठीक है। तो सामने वाले को पता चलेगा कि आइन भी पढ़ा गया, ठीक है, चले अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी रेस्ट ऑफ द आयत आप इंशाल्लाह खुद कर लेंगे, हम इंशाल्लाह मूव ऑन हो जाएंगे अपनी दुआ की तरफ, ठीक है। सब रेडी है इंशाल्लाह दुआ की तरफ, आप लोग अपनी दुआओं को साथ साथ कीजिए, क्योंकि अगर आप साथ साथ नहीं करेंगे तो फिर क्या नुकसान होगा कि फिर आपके लिए मुश्किल होगी ना, तो इंशाल्लाह कोशिश करके थोड़ा सा इसको कोशिश ये कीजिए कि साथ साथ करते जाइए, ठीक है इंशाल्लाह उलज़िम। तो थोड़ा सा हम इसको देखते हैं, एक सेकंड मैं आपके सामने रखती हूँ,
दुआ इंशाल्लाह आज हम जो दुआ करेंगे वो है हमारे पास इंशाल्लाहुल्लज़ीम वैयाका नस्तईन, आप सब के पास बुक होगी इंशाल्लाह, उस पे हम रंजो गम की दुआ कर रहे थे और उसके अंदर आज जो हम दुआ करेंगे वो है दुआ नंबर 13, आप सब के पास खुली हुई है जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक सेकंड देख लेती हूँ, अगर मैं आपके सामने स्क्रीन शेयरिंग कर सकती हूँ तो मैं आपके सामने कर देती हूँ, एक सेकंड जी। जी हाँ मेरे पास खुल गई है, आप लोग भी इंशाल्लाह निकाल लीजिए रंजो गम की दुआ में। आज हम जो दुआ करेंगे वो है दुआ नंबर 13, ठीक है, सबने निकाल लिया होगा इंशाल्लाह उलाजीम। चलिए इंशाल्लाह दुआ नंबर 13 को देखते हैं, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान कर दे, जस्ट वेट इंशाल्लाह। चलिए बहुत खूबसूरत दुआ है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग पढ़ते भी होंगे, पहले से भी पढ़ते होंगे, लेकिन इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, और वो यही हदीस आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी परेशानी गम में होते, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ आपको सताती, तो आप कसरत से इस दुआ को पढ़ा करते थे ना, तो अपनी आदत का हिस्सा बनाइए, जब कभी कभी कोई परेशानी हो मुसीबत हो तो फौरन इस दुआ को पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीम अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब السماواتي ورب الأرض ورب العرش الكريم। बहुत ही खूबसूरत इसका ट्रांसलेशन है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जो बहुत ही बड़ा बहुत बर्दबार है हिलम वाला है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो अर्श अजीम का रब है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो आसमान और ज़मीन का रब है और अर्श करीम का रब है। अब देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह खुद इतना पावरफुल कलमा है कि एक मिज़ान में एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरी तरफ सारी नेकियाँ रख दी जाएँ, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पड़ला भारी हो जाएगा, इतना वज़नी है ये कलिमा। और कहाँ ये किसके साथ अल्लाह सुबहाना व ताला की सिफ़ात का जिक्र कर दिया जाए, वो भी बेहतरीन सिफ़ात अल हलीम अल करीम रब्बुल अर्शिल अज़ीम रब रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आप सोचिए ना कितनी खूबसूरत सिफ़ात है अल अज़ीम अल हलीम, इसके अलावा रब्बुल समावाती व रब्बुल अर्द व रब्बुल अर्शिल करीम। बस अल्लाह सुबहाना व ताला मुझे और आपको पढ़ने की तौफीक दे कि हम जब कभी परेशान हो कसरत से, अगर आपको ये दुआ नहीं भी याद है तो ला इलाहा इल्लल्लाह का वर्द करना शुरू कीजिए, आप देखिएगा कि आपके ऊपर से एक बोझ हट जाएगा, एक परेशानी हट जाएगी, आपका दिल पुरसुकून हो जाएगा, आपके अंदर एक इत्मीनान आ जाएगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करें, किसी के बारे में आता स्लाफ में से उन पर कभी कोई इल्ज़ाम लगा होगा, आपको पता है कि जो भी दीन का काम करते हैं उन पर कुछ ना कुछ तो बातें उठती हैं, ऐसे मौके पर वो काफ़ी परेशान थे, उनको कैद बंद कर दिया गया था, क्या क्या हुआ था उनके साथ ना, तो किसी ने उन कोई उनके किसी ने ख्वाब में उनके स्टूडेंट ने या किसी ने देखा कि उन्होंने उनके ख्वाब में कोई आया और उसने कहा कि तुम उससे जाके कहो वो ये दुआ क्यों नहीं पढ़ते, और कहते कि इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने उनको उस मुश्किल से निजात दी। तो जो भी यकीन के साथ पढ़ेगा कि वाकई जब गम और परेशानी के बादल इंसान पर छा जाते हैं ना, ऐसे मौके पर अक्सर दुआएं भी सम टाइम भूल जाती हैं, तो याद रखिए जहाँ से गमों के पहाड़ आप पर आते जाएंगे, एक वक्त आएगा उन्हीं गमों के पहाड़ के पीछे से रोशनी की किरण ज़रूर फूटेगी, जिस तरह हर अंधेरे के बाद सुबह निकलती है ना सूरज निकलता है, सेम इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में गमों के अंधेरे के बाद खुशी की किरणें ज़रूर फूटती हैं। इंशाल्लाह ऐसे मौके पर जो चीज़ मोमिन को थामती है वो है दुआ, इन दुआओं को कसरत कीजिए, खास कर इस दुआ की ना, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम। चलिए आप अपनी अपनी परेशानी को सोचिए, मैं भी सोचती हूँ, उसके बाद हम इस दुआ को पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्द व रब्बुल अर्शिल करीम।
बस अल्लाह ताला हम सबकी दुआओं को सब कबूल करे। इंशाल्लाह अब हम यहीं पे रुकेंगे, इंशाल्लाह तफसीर की तरफ करेंगे, इसको दिल की गहराई से अपनी नमाजों का अपनी चीज़ों का हिस्सा बनाइए, इंशाल्लाह तफसीर की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे। अल्लाह सुबहाना व ताला हम सब के लिए आसानी कर दे, अल्लाहुम्मा आमीन। उम्मीद है कि आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन, एक सेकेंड में एक सेकंड ज़रा सा मुझे दीजिएगा, मैं इसको स्टॉप करूँ। चलिए हम इंशाल्लाह आयात को देखते हैं, तफसीर की तरफ चलते हैं। चलिए हमने अब तक आयात को जहाँ तक देखा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो बात हम देख रहे थे लास्ट क्लास में कि फमन, जैसे आपको पता था कि वफद नजरान से एक वफद आया था 9 हिजरी में, और उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईसा अलैहि सलाम के बारे में आपसे झगड़ा किया था ना, कि मतलब उनका वो जानना चाह रहे थे कि आप क्या कहते हैं ना। तो हमने लास्ट में देखा था कि चूंकि हम यहाँ से नसारा का जिक्र पढ़ ही रहे और आपको बताया भी था इन आयात में नसारा के हवाले से इस ईसा अलैहि सलाम के हवाले से बात की गई है, तो जो कोई इल्म आ जाने के बाद ईसा अलैहि सलाम के बारे में आपसे झगड़ा करे तो अल्लाह के नबी से कहा गया था, फरमाया कहते हैं कि आप कह दीजिए था आयलो नद व अबना अना व अबना अकुम व निसा अना व निसा अकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिन फनजअल्लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। तो आप अगर कोई भी आपसे ईसा अलैहि सलाम के बारे में झगड़ा करे तो आप कह दीजिए कि आओ हम अपने और तुम्हारे बेटों को और अपनी और तुम्हारी औरतों को बुला लें और हम खुद भी आ जाएं और तुम भी आ जाओ, फिर हम गिड़गिड़ा कर दुआ करें और फिर क्या हो, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। याद रखिए जब यह आयत नाजिल हुई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली फातिमा हुसैन और हसन रदी अल्लाह अनु को बुलाया और फरमाया या अल्लाह ये लोग मेरे अहल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसारा को भी दी कि वो भी आ जाए और हम मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और झूठों पर अल्लाह की लानत करते हैं। लेकिन क्या हुआ, नसारा मुबाहला करने से रुक गए। मुबाहला बेसिकली ये होता है ना कि जब कहीं कभी फैसला ना हो पाए तो ऐसे मौके पर क्या है कि यानी सामने वाला आपकी बात को मानने को तैयार नहीं है, ऐसे मौके पर क्या दावत मुबाहला दी जाती है। तो उसी का जिक्र किया जा रहा है कि ऐसे मौके पर जो भी दो फरीक हैं वो अपने अपने घर वालों को लेकर आएंगे और इसी अंदाज से कहेंगे कि जो झूठा है उस पर अल्लाह की लाना। तो अब ऐसे मौके पर क्या हुआ, जो नजरान के दो सरदार थे और इतना इतना ज़्यादा मालो दौलत से लदे हुए आलीशान कपड़े पहने हुए दोनों सरदार थे, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुबाहले के लिए आए थे, लेकिन एक ने अपने दूसरे साथी से कहा ऐसा ना करो, क्यों, क्योंकि अल्लाह की कसम अगर ये नबी हुए और फिर भी हमने इनसे मुबाहला किया फिर हम जिंदा नहीं रह सकते और ना ही हमारे ना हमारे पास हमारी नस्लें रह सकेंगी। पता भी था नबी थे ना, लेकिन इसके बावजूद रवैये देखें। फिर इन दोनों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जो कुछ आप मांगे हम जिज़िया देने के लिए तैयार हैं, आप हमारे साथ कोई अमीन भेज दीजिए, जो भी हम आदमी हमारे साथ भेजे बस वो अमीन होना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ एक ऐसा आदमी भेजूँगा जो अमानतदार होगा, बल्कि पूरा पूरा अमानतदार होगा। सहाबा रदी अल्लाह अनुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतज़र थे, आपने फरमाया मुरादे के सहाबा मंतज़र थे कि उनका नाम आएगा ना, क्या अल्लाह के नबी मुझे भेजेंगे, हर कोई उम्मीद रखता था, हर एक की नज़र थी कि शायद हमें भेजा जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू उबैदा बिन जरा उठो, जब वो खड़े हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इस उम्मत के अमीन है। सही बुखारी की रवायत है, 4380 इसका नंबर है। आप देखिए अबू उबैदा बिन जरा जिनको अमीनुल उम्मत कहा गया, इस उम्मत के अमीन, इनके बारे में जब आप पढ़ते हैं ना तो आपका दिल रोने लगता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा इनको टाइटल दिया, ये छोटा नहीं है किसी को अमानतदार होने का टाइटल, वो भी उम्मत के अमीन, एक एक पर्सन के लिए नहीं, किसी फैमिली के अमानतदार नहीं, पूरी उम्मत के अमीन। और हर एक की नज़र थी कि अल्लाह के नबी शायद उनको कहेंगे, लेकिन अल्लाह के नबी
अपनी मर्जी से तो कोई बात नहीं कहते थे ना, इल्ला वही यू है जो आप पर आपकी तरफ वही की जाती थी, आप उसी अंदाज से कहते थे। तो अल्लाह ताला ने इनको एज अ उम्मत के अमीन के तौर पर चुना क्योंकि इन पर जजिया लगाया गया था जो भी नजरान से वफद आया था, और उबैदा रदी अल्लाह अनहु ने इसे जाकर वसूल करना था और उसे जमा भी करवाना था। और याद रखी जो जो उबैदा बिन जरा के हवाले से मुझे एक बात याद आ रही है कि उमर रदी अल्लाह अनहु ने इनको अपने दौर में किसी जगह का गवर्नर बनाया था ना, तो उमर रदी अल्लाह अनहु की आदत थी कि जब वो ना जाके ना जैसे देखा करते थे कि लाइक जो भी जिसको जो भी काम असाइन किया तो वाकई वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा ना, तो जब उमर रदी अल्लाह अनहु इनके पास पहुँचे तो उन्होंने बहुत अच्छे से उनको वेलकम किया। तो उन्होंने कहा चलो उबैदा हम तुम्हारे घर चलते हैं। इनकी उमर रदी अल्लाह अनहु की आदत थी कि देखें कि कैसे गवर्नर मतलब जो भी जो जिम्मेदारी दी उसको कैसे निभा रहे। तो उन्होंने कहा कि आप चले मैं आपको कहीं और लेके जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं हम तुम्हारे ही घर जाएंगे। जब घर गए तो देखते हैं कि एक छोटा सा बुसीदा सा बिस्तर रखा, मतलब बिस्तर क्या एक छोटा सा जैसे होता है ना कम बिछोना सा वो लगा हुआ है, और बस एक छोटा सा मतलब साथ ही में कोई फर्नीचर कोई ऐसी लग्जरीज नहीं। आप सोचिए आज के गवर्नर्स और उस दौर के। तो उसको देखने के बाद बड़े बड़े उमर रदी अल्लाह अनु से रहा नहीं के बड़े परेशान हुए, कहने लगे चलो भाई खाना खिलाओ। अब जहन में तो ये था कि भाई गवर्नर है तो ऑफकोर्स जंग जहाँ गवर्नर इतने सारे अमानत है उसके पास इतनी अमानतें हैं लोगों की चीज़ों की, तो इंसान अपने ऊपर भी जो हक होता है उतना तो लेता है। लेकिन आप देखिए कि घर में सिर्फ कहा जाता है कि कुछ ब्रेड यानी यहाँ रोटी और लाइक खजूर और पानी। तो कहने लगे नहीं आप चले मैं आपको ना कहीं खिलाता हूँ। कहते नहीं जो तुम्हारे घर में वो लेकर आओ। तो जब लेकर आए वो खाना तो उमर रदी अल्लाह अनहु से रहा नहीं किया और आपकी आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने उबैदा बिन जरा के बारे में फरमाया अबू उबैदा हर एक को दुनिया ने कुछ न कुछ ना कुछ हुआ है यानी उस पर उसका असर हुआ है, तुम वो वाहिद हो जिस पर तुम्हें जिस पर दुनिया ने कोई असर नहीं छोड़ा। तो ये दुनिया हर इंसान को छूती है और दुनिया की जो रौनकें हैं जो हमारे घरों में नज़र आती हैं ना वो चीज़ से अबू उबैदा बिल्कुल अपने आप को अलग रखते थे। इसी वजह से देखिए अल्लाह के नबी ने इनको उम्मत के अमीन होने का लक़ब दिया। अल्लाह ताला हमें भी दुनिया से बस इतना ही लेने वाला बन जाए जो हमारे लिए ज़्यादा राह कल आखरत में काफ के लिए काफ़ी हो जाए। वरना आप देखिए ना दुनिया से माल ही हाँ माल जैसे अल्लाह के नबी कहते ना मेरा और दुनिया से क्या ताल्लुक, मुराद है कि दुनिया तो हमेशा रहने की जगह नहीं है ना। तो उबैदा बिन जरा के बारे में इतनी बड़ी बात, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर ये लोग मुबाहला नहीं करते तो इस हाल में लौटते कि अगर ये लोग मुबाहला कर लेते ना यानी मुबाहला करने वाले अगर ये निकलते तो इस हाल में लौटते कि इनका ना माल होता ना अहलो यार। तो असल बात सारी समझ बात क्या समझ आ गई, बात यही समझ आती है कि बेसिकली जो भी वफद आया और इस अंदाज से उसने किया तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे बेसिकली एक तरह से मतलब मामला तय हो गए। तो अल्लाह ताला कह रहे फ़ैन तवल्लो फिर अगर वो मुँह मोड़ जाए, और अमूमन आपको पता है कि जो नहीं मानते वो इसी तरह से टर्न अवे होते हैं ना, तो यही कहा जा रहा है कि अगर वो मुँह मोड़ जाए तो आप कह दीजिए अल्लाह ताला जो है यहाँ से आयत के एंड में देखिए फ़ैन तवल्लो फ़कूलु अशहदु बिअन्ना मुस्लिम, अगर वो मुँह मोड़ जाए तो आप कह दीजिए गवाह हो जाओ बिला शुबा हम तो मुसलमान हैं। यानी यहाँ पे यही कहा जा रहा है ना, नहीं ये वाली आयत नहीं, एक सेकेंड मैं खोलूँ जी, यहाँ पे सॉरी फसाद वाली आयत है फ़ैन तवल्लो फ़इन्नल्लाह अलीमुन बिल मुफ्सिदीन, फिर अगर वो मुँह मोड़ेंगे तो यकीन या किस चीज़ से तौहीद से हक़ को कबूल करने से, तो अल्लाह ताला फसाद करने वालों को खूब जानने वाला जो गैर अल्लाह की इबादत करते हैं और लोगों को उसकी दावत देते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला यहाँ पे सबसे बड़ा फसाद क्या शिर्क। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लौकान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर इन दोनों में अल्लाह ताला के सिवा और भी माबूद होते तो इन दोनों में ज़रूर फसाद बर्पा हो जाता। अल्लाहु अकबर, ज़रूर फसाद बर्पा हो जाता। तो आगे बताया जा रहा है, अब आगे से जो बात है ना दीन की दावत देने का तरीका बताया जा रहा है। वाक़ु क़ुल या अहलल किताब तआला इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आप कह दीजिए ए अहले किताब इस कलमे की तरफ आओ जो हमारी और तुम्हारी दरमियान बराबर है।
क्या है वो कलमा? ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं और हम अल्लाह के सिवा एक दूसरे को भी रब ना बनाएं। फिर अगर वो मुंह मोड़े तो आप कह दीजिए क्या, आप फकूल उशहदु बि अन्ना मुस्लिमून, कि आप कह दीजिए कि तुम गवाह हो जाओ बिलाशुबा हम मुसलमान हैं। कितनी खूबसूरत आयत है दीन की दावत देने वाले के लिए। जब आप किसी भी अहले किताब से बात करें, किसी भी इंसान को दीन की दावत है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि इंसान लोगों को तौहीद की तरफ बुलाए। और हर नबी ने तौहीद की दावत दी है, जितने भी आसमानी मज़ाहिब है इनकी बुनियाद तौहीद पर कायम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ वफूद को कद लिखे और उसमें आपने हमेशा खासकर हरकल का आता है जो कद लिखा था, उसमें आपने ये आयत लिखी। हरकल ने अपने तर्जमान को बुलाया था जो ट्रांसलेटर था, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मंगवाया, उसे पढ़ा। शुरू में अल्लाह के नाम से जो बहुत रहम करने वाला मेहरबान है, अल्लाह के बंदे और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हरकल की जानिब फिर ये आयत लिखी थी, या अहलल किताब तआला इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, कि ए किताब वालों इस बात पर आ जाओ जो हम में और तुम में यकसा मानी जाती है। तो असल बात क्या है कि दीन की दावत में सबसे पहले लोगों किसकी तरफ बुलाया जाए, तौहीद एक अल्लाह की तरफ बुलाना चाहिए। अक्सर लोग सवाल करते हैं ना कि हम दर्स देना चाहते हैं कहाँ से बात को शुरू करें। याद रखिए सबसे पहली चीज़ जो बेसिक चेक अपने बच्चों में रासख करनी है, दीन के काम के अंदर लोगों को देनी है, लोगों को दीन से जोड़ने के लिए वो एक अल्लाह की तरफ बुलाना है, तौहीद को रासख कर दे। यकीन करें अगर आपने बचपन से बच्चों को अल्लाह से जोड़ दिया, अल्लाह की तरफ बुलाया, मुराद है कि अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह ताला की मार्फत, उसकी वाहदानियत डाल देना, आप देखिएगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको उनको उनके ईमान में जमा देंगे। तो असल यहाँ पर जो बात की जा रही है, आपको याद है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन भेजा तो उनसे फरमाया था कि देखो तुम एक ऐसी कौम के पास जा रहे हो जो अहले किताब यानी ईसाई और यहूदी हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हें अल्लाह की इबादत की दावत देना। सबसे पहले क्या इंसान किसकी दावत दे? अल्लाह की इबादत की। जब वो अल्लाह ताला को पहचान लें यानी इस्लाम कबूल कर लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह ताला ने उनके लिए दिन और रात में 5 नमाजें फ़र्ज़ की हैं। हम अल्लाह माफ़ करें जब दर्स शुरू करते हैं तो फ़िक़्ही मसाइल से शुरू कर देते हैं और वहीं से लोग कहते हैं ये दो पर्टिकुलर मज़ाहिब के लोग हैं, ये तो ख़ास किसी ख़ास मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आना ही छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले इंसान अल्लाह की तरफ बुलाए, अल तौहीद की तरफ दावत दें। जब वो इसे भी अदा करें तो उन्हें बताना कि अल्लाह ताला ने इन पर ज़कात फ़र्ज़ करार दी जो उनके सरमायादारों से ली जाएगी, जो साहिब निसाब होंगे, और उनके फ़कीरों में तकसीम कर दी जाएगी। जब वो उसे भी मान लें तो उनसे ज़कात वसूल कर, अलबत्त इनकी उमदा चीज़ें ज़कात के तौर पर लेने से परहेज़ करना, यह भी सही बुखारी की रवायत है। तो क्या बात समझ आ गई कि जब भी लोगों को मैं और आप बुलाएंगे तो असल अंबिया की तालीम और हम सब की भी तालीम क्या है कि हम लोगों को अल्लाह से जोड़ने वाले बने, तौहीद की तरफ बुलाने वाले। तौहीद का मतलब क्या है? अल्लाह पर ईमान लाना क्या होता है? कि अल्लाह की ज़ात को माना जाए कि अल्लाह की ज़ात एग्जिस्ट करती है, अल्लाह ताला की उलूहियत को माना जाए कि अल्लाह ही एक इलाह है, उसके अलावा कोई इलाह हो ही नहीं सकते, इसके अलावा अल्लाह की रुबूबियत को माना जाए कि अल्लाह ही खालिक है, मालिक है, मुदब्बिर है, तो अल्लाह ही उसकी रबूबियत को माना जाए और उसकी अस्मा और सिफात पर को माना जाए कि वाकई अल्लाह असमी है, अल्लाह ताला ही कुन फयकुन कहता है तो हो जाता है। तो कहने का मकसद जब इंसान इस अंदाज से अल्लाह ताला की ज़ात को मानता है और अल्लाह ताला की उसकी उलूहियत को, उसकी रबूबियत को, उसके अस्मा और सिफात को मानता है तो फिर उसी की इबादत करता है। फिर इंसान उसके सिवा किसी को शरीक नहीं ठहराता, किसी इंसान को वो मुकाम नहीं देता जो कि कायनात के मालिक के लिए खास है ना। याद रखिए तमाम मज़ाहिब चाहे वो जोश हों, क्रिश्चन हों, इस्लाम हों, इनमें कोई फ़र्क नहीं था तौहीद के लिहाज से, अकीदा तौहीद सब का एक ही था। वो बात अलग के यहूदी और जो ईसाई थे उन्होंने तौहीद का इकरार किया लेकिन अमली तौर पर वो सब कुछ इख्तियार कर लिया जो तौहीद के ख़िलाफ़ था। और आज सो कॉल्ड मुसलमान भी यही कर रहे हैं, हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह लेकिन अमली तौर पर हमारा अमल
ला इलाहा इल्लल्लाह के खिलाफ होता है। इसी वजह से आज बहुत सारे जो 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 दीन पर इस्लाम पर नहीं है, नॉन मुस्लिम्स हैं, वो क्यों मुतनफ़िर होते हैं? वो दीन सीखते हैं लोगों को देखकर, वो दीन को किताब से नहीं देखते, कुरान और सुन्नत से नहीं देखते, सहाबा के तर्ज अमल से नहीं देखते। और आज हम अमल में बहुत पीछे हैं। तौहीद अपनी खालिस सूरत में सिर्फ़ कुरान मजीद और इस्लाम में मौजूद है। याद रखिए, यहूदियों और ईसाइयों ने ज़बान से अल्लाह ताला को रब कहा, लेकिन अपने नबियों को, अपने बुज़ुर्गों को रब बना डाला। अमली एतबार से वो अकीदा तौहीद में नहीं रहे। और आज अनफॉर्चुनेटली हम मुसलमानों का भी ये हाल है ना, कि हम अल्लाह की बात को पीछे और लोगों की बात को ऊपर ले आते हैं ना। तो बात सारी वही है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराए। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह वला नुशिका बिही शैया। मुराद है कि अल्लाह पर तवक्कुल, उसी से मोहब्बत, उसी का खौफ, उसी से उम्मीद, उसी से हर हाल में हर चीज़ का हर चीज़ उसी से वाबस्ता रखें। उसके साथ किसी नबी को, किसी वली को, किसी बुत को, किसी हैवान को, किसी जमादात को शरीक ना ठहराएं। आज कितने लोग हैं जो अल्लाह की ज़ात में कितने कितने लोगों को शरीक ठहराते हैं ना, उनकी भी मानते हैं, अल्लाह की भी मानते हैं, और कहते हैं उनको खुश करने के लिए तो हम ये काम कर रहे हैं। दरअसल बात सारी के जब कुरान और सुन्नत पीछे चला जाए और ये वलियों की बात, इनकी बात, उनकी बात, बाबा की बात, बुज़ुर्ग की बात आगे आती है, तो वो जो दीन है ना, वो तो बिल्कुल बेगाना हो जाता है। जो स्ट्रेट रास्ता था, अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमाया था, वह इजाज़ा अला का इबादी फ़ैन करीब उजीब दावत दाए इजादान फल यस्तजीबुली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। लेकिन हमने ऐसा किया ही नहीं। हम तो दूसरों को सहारा दे देकर अल्लाह तक पहुँचना चाहते थे ना, जबकि अल्लाह ताला ने तो साफ बता दिया कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल कहें तो आप कह दीजिए मैं करीब हूँ, उजीब दावत दाई, मैं जवाब देता हूँ पुकारने वाले की। बस उसको उनको चाहिए कि वलयुमिनू भी, चाहिए कि ईमान लाएं ना। जो अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों पर ईमान लाने के लिए कहा है, अल्लाह ताला पर ईमान लाएं, भरोसा रखें, तवक्कुल रखें, उसी से उम्मीद रखें, वो इंशाल्लाह सारी चीज़ों को बेहतर करेगा। तो यहाँ पे अल्लाह के सिवा इंसान दूसरों को रब कब बनाता है? कि अल्लाह रसूल की बात को पीछे और खालिक की नाफरमानी करके मखलूक को खालिक का मकाम दे देता है। तो दरअसल ये रब बनाना होता है, और यही यहूदियों ने अपने अहबार के साथ किया। उनके हलाल को हलाल, उनके हराम को हराम करार दिया, और यही दरअसल रब बनाना। इसीलिए कहा फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलु शहदू भी अन्ना मुस्लिमून, फिर अगर वो मुंह मोड़े तो आप कह दिए तुम गवाह हो जाओ, बेशक हम मुसलमान हैं। यानी क्या मुराद है? जब अहले किताब या दूसरे गैर मुस्लिमों को आप इस बात की दावत दी जाएगी और अगर वो बात को तस्लीम कर लेंगे तो फिर वो दूसरे मुसलमानों की तरह बराबर हो जाएंगे, इनके हुकूक व फ़राइज़ दूसरे मुसलमानों के बराबर हो जाएंगे, और अगर वो तस्लीम नहीं करें तो साबित हो जाएगा कि वो अपनी ख्वाहिश की पैरवी करना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं तो आप कह दीजिए कि गवाह बना दो कि हम तो मुसलमान हैं, हम ईमान लाने वाले, हम सच्चे मुसलमान हैं, हम अल्लाह के लिए मुखलिस हैं। या अहलुल किताब लिमा तुहाजून फी इब्राहीम वमा उन्ज़िलत तौरात वल इंजील इल्ला मिन बाद अफला ताक़िलून। ए अहले किताब, तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात और इंजील उसके बाद नाजिल गई, तो क्या तुम समझते नहीं हो? झगड़ा किस बात पे था? असल बात तो ये है ना, क्यों झगड़ते इसके बारे में आता है। इब्न अब्बास से रवायत रदी अल्लाह अनहु, उन्होंने फरमाया नजरान के ईसाई और यहूदियों के जो अहबार थे, जैसे हमारे उल्मा होते हैं ना, वो उनके अहबार थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हुए और आपसे मुबाहिसा शुरू कर दिया, बहस व मुबाहिसा। अहबार ने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, ईसाइयों ने कहा वो ईसाई थे। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल कर दी, तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों झगड़ते हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में जो यहूदी और ईसाई दोनों जो दावा करते हैं कि वो यहूदी थे, वो ईसाई थे, वो इब्राहिम हालांकि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं। आप सोचिए ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितने पहले आए हैं और ये कितने बाद में है ना, तो किस बात पर झगड़ रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे नसरानी? ये तो बाद के मज़ाहिब हैं जिन्होंने खुद से बना दिया। हर एक मुसलमान
था, बाद में इन्होंने अपना पर्टिकुलर नाम रख दिया। तो असल बात यह है कि दोनों का दावा गलत है ना, कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिन पर यहूदी कहते हैं हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिन पर, ईसाई कहते हैं हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिन पर हैं। तो बात सारी बता दिया गया, और असल में इनके झगड़े का मकसद था, इनका मकसद क्या क्या था कि इनके अकायद में शुबहात पैदा करना, ताकि मुसलमान अपने दीन के मामले में गुमराह हो जाए। और यही होता है कि जब एक दूसरे लोग दीन पर अमल करते हैं ना, कुछ लोग नहीं करते, तो चाहते हैं उनको भी रास्ते से हटा दिया जाए। तो असल बात है कि जो बात कही जा रही कि अल्लाह ताला कह रहे वमा उनज़िलत तौरात वल इंजीलु इल्ला मिन बादी, अल्लाह ताला ने यहाँ यहूदी और ईसाइयों के झगड़े का फैसला ये कहकर किस अंदाज से किया कि तुम क्यों बहस करते हो जिसका तुम्हारे पास कुछ इल्म ही नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो ना यहूदी थे, ना ईसाई, ना ही मुशरिक थे, बल्कि वो यकसू मुसलमान थे, हनीफ मुसलमान थे ना। और याद रखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नस्बत का सबसे ज़्यादा हक़ तो उनको पहुँचता जिन्होंने उनकी पैरवी की, उसमें कौन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वाले उस नस्बत के ज़्यादा हकदार हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं अफला ताकिलून, क्या तुम समझते ही नहीं हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो तौरात और इंजील के नाजिल होने से पहले गुजरे, कैसे मुमकिन है कि वो यहूदी या ईसाई होंगे, ये दावा तुम्हारी अक्ल के ख़िलाफ़ है। लेकिन बात यह कि तुम्हें समझ नहीं आती, तब इंसान की अपनी ज़ात बड़ी हो जाए और अल्लाह का दीन पीछे हो जाए, तो फिर इंसान की ऐसी ही अक्ल मारी जाती है। हाँ तुम हाउलाई हाजज तुम फ़ी मालकुम बिही इल्म फलीमा तो हाजूना फ़ीमा लैसा लकुम बिही इल्म वल्लाहु यालमु वा अन्तुम ला तालमून। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हाँ तुम बोलोगे तुमने इस बात में झगड़ा किया जिसका तुम्हें इल्म था, फिर इसके बारे में क्यों झगड़ा करते हो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं, और अल्लाह ताला जानता है तुम नहीं जानते। असल में क्या है यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहूदी का दावा था ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी, ईसाइयों का दावा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ईसाई। अल्लाह ताला ने इस बहस का जवाब दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारा झगड़ा ऐसे मामले में जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं है, ऐसे मौजू पर बहस नहीं करनी चाहिए। क्या बात समझ आती है, जिस चीज़ का इंसान को इल्म ना हो उसके बारे में बहस करना जायज़ नहीं है। दूसरी क्या बात, ज़रूरी नहीं होता कि हर इल्म वाले को हर बात पता हो। फिर तीसरी बात, इंसान की सदाकत अमानत और उसकी निजात इसी में है कि जो बात पता ना हो उसके बारे में राय ना दे, खामोशी इख्तियार कीजिए। हम है ना कि हमें एक थोड़ा सा किसी के बारे में हल्की सी भनक भी पड़ी, चाहे हमें सदाकत नहीं पता चली, बस बात कहना शुरू कर देते हैं। नहीं, खामोशी इख्तियार कीजिए, ख़ास तौर पर दीन के मामले में। कितने स्कैंडल्स, कितनी चीज़ें उड़ती रहती हैं ना, तो बहुत सोच समझ के अपनी ज़बान को हम सब खोलें। दुनिया के मामले में भी गुमान से काम नहीं लेना चाहिए, लोगों के बारे में ऐसे गुमान करना जो उनसे मेल ना खाते हो दुरुस्त नहीं, ख़ास तौर पर बग़ैर इल्म के फतवा देना, इसकी तो काफ़ी मुज़म्मत आई है ना। तो कभी भी जो साहिब इल्म होते हैं ना, वो अपनी मर्ज़ी से कोई बात नहीं कहते। जब आपको कोई बात नहीं आती, आप आसानी से सुन्नत का तरीक़ा लादरी कह दीजिए। और अगर जो साहिब इल्म होते हैं ना, जो इल्म वाले होते हैं, जो अल्लाह से डरने वाले, वो अपनी मर्ज़ी से कोई बात नहीं कहते, और जो बात मालूम होती है उसको छुपाते नहीं हैं। अपने आप को मैं और आप चेक कर लें कि क्या मैं तो ऐसी तो नहीं हूँ कि बग़ैर इल्म के बहस करना शुरू कर देती हूँ। और हर इल्म वाले को ज़रूरी नहीं होती कि हर बात पता है, तो जब नहीं पता है तो अपनी मर्ज़ी से बातें लगा के लोगों को बता देती हूँ कि ये दीन का हिस्सा है, तो बड़ा खसारा है। अल्लाह ताला हमको हर एक के बारे में दुनिया के मामले में भी बदगुमानी से बचाएं, और हम कोई बात किसी की तरफ ऐसी मंसूब ना करें जो उससे मैल ना खाए। अल्लाह ताला हमें मोहतात अंदाज से अपनी ज़बानों की शर्मगाह की हिफाजत करने वाला बना दे। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस दीन पर थे, तुम नहीं जानते, जहालत की बुनियाद पर तुम नहीं जानते कि उनका दीन क्या था। माँ काना इब्राहिम, अब बता दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या थे, माँ काना इब्राहिम। एक और छोटी सी बात मुझे याद आ रही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाह इल्म को इस तरह नहीं उठा लेगा कि इसको बंदों से छीन लेगा, बल्कि वह पुख्ताकार उलमा को मौत देकर इल्म को उठाएगा, हत्ता कि जब कोई आलिम बाकी
बाकी नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, उनसे सवालात किए जाएंगे और वो बगैर इल्म के जवाब देंगे, इसलिए खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। अल्लाह ना करे हम में से कोई ऐसा हो कि कैसे किस अंदाज से देखे गुमराही ना, और आज ऐसे ही कुछ लोग नजर आते हैं कि कैसे कैसे फतवे देते हैं, उसकी वजह से बेचारी जो जाहिल अवाम है उनके फतवे पर अमल करके उनको रब के बराबर करार दे देती है और अपने लिए राह निजात का रास्ता दुनिया में तरक्की का रास्ता बना लेती है, लेकिन आखिरत में बड़ा खसारा है। इसीलिए बता दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो यकसू थे, ना यहूदी थे ना नसरानी, यकसू मुसलमान थे, और बता दिया वमा काना मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकों में से भी नहीं थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम शिर्क से बरी थे, ईमान के तलबगार थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और किसी भी नबी ने कभी लोगों को किसी फ़िरके की तरफ नहीं बुलाया, दीन की दावत दी, यहूदियत या नसरानियत की दावत कभी नहीं दी। अल्लाह के नज़दीक याद रखिए हमेशा से जो दीन रहा है वो दीन इस्लाम रहा है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपना नाम मुसलमान रखा था और अल्लाह ताला ने भी यही नाम रखा। अबू उमामा से मरवी के हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मार्के के लिए निकले, एक आदमी एक गार के पास से गुजरा जिसमें कुछ पानी था। उसने दिल में सोचा कि वो इस गार में क़याम कर ले, इस गार में मौजूद पानी पीता रहे और इर्द गिर्द सब्जियाँ वगैरह खा कर गुजारा करता रहेगा, दुनिया से किनारा कश हो जाएगा। फिर कहने लगा अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर इससे इस बात का तज़किरा करूँ तो बेहतर रहेगा, अगर आप मुझे इजाज़त दे दें तो मैं ऐसा कर लूँगा, और अगर इजाज़त ना दें तो रुक जाऊँगा। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा ए अल्लाह के नबी, मैं गार के पास से गुजरा, इसमें मेरी किफ़ायत के लिए पानी और सब्ज़ी मौजूद है, मैंने दिल में सोचा कि मैं इसमें क़याम करूँ और दुनिया से अलग हो जाऊँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे यहूदियत व नसरानियत देकर मबूस नहीं किया गया, मुझे दीन हनीफ देकर मबूस किया गया है, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह के रास्ते में एक सुबह या एक शाम निकलना दुनिया और जो कुछ उसमें है सबसे बेहतर है, और तुम में से कोई शख्स जंगी सफ में खड़ा हो तो ये इसके लिए 60 साल की नमाज से बेहतर है। सिलसिलतुल सहिया 1016 की रिवायत है। कहने का मकसद सर ये है मैं और आप भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई तरके दुनिया करके एक कमरे में अपने आप को बंद कर ले, अल्लाहु अल्लाहु करता रहे तो ये दीन इस्लाम नहीं है, ये दीन इस्लाम नहीं है कि हम इसको रहबानियत कह दें और तरके दुनिया करके किसी भी गोशा नशीन में जाके बैठ जाएं। असल बात है कि ये दुनिया इम्तिहान के लिए, और इस इम्तिहान के अंदर आपको पता है कि जो इन आसमान से घबराता है फिर वो तो अपने आप को जिसे कहा जाए कि की दुनिया करने लगता है ना, तो ये चीज़ नहीं है, लोगों की आजमाइश को सहते हुए इस दुनिया में रहना है ना। और आपने देखा कि एक सुबह या एक शाम निकलना जो कुछ दुनिया में उससे बेहतर है, दुनिया में क्या कुछ नेमते हैं ना इन सब से बेहतर है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी हम निकलते थे क्लास के लिए लेकिन कोविड की वजह से नहीं निकल सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑनलाइन क्लास के लिए जमा हुए हैं। तो आप देखिए जो हमारा निकलना है दुनिया, एक इमेजिनेशन में लाइए वो दुनिया जो आपकी आँखों की नज़र में, जिसमें आपका घर और आसपास के आपकी आपके जो आपको नज़र आते, कहाँ ये कि पूरी दुनिया जिसको हम जानते ही नहीं, ग्लोबल मैप में भी देखें तो कभी समझ नहीं आते, उन सब से बेहतर है सुभान अल्लाह। और तुम और ये भी खास कर जंगे सफ में खड़ा होना तो 60 साल की नमाज से बेहतर है। तो असल बात यह कि अल्लाह ताला ने जिसे कहा जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बता दिया कि वो यकसू मुसलमान थे, मुशरिक नहीं थे। याद रखिए हनीफन से मुराद क्या, शिर्क से बेजार थे, अल्लाह के लिए खालिस थे, और हनीफ वो होता है जो अल्लाह के लिए यकसू हो, अल्लाह के मासिवा किसी और की तरफ नहीं झुकता, जिसकी मोहब्बत, जिसके जज्बे, जिसकी अता, जिसकी दुआएँ, जिसकी सरगर्मियाँ, जिसकी सारी स्ट्रगल अल्लाह के खालस हो। यानी मुस्लिम मन से मुराद के अल्लाह की इबादत करने वाला, वो जो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे ख़ुद को कर दे, अपनी तकदीर पर राज़ी रहे, जो कुछ अल्लाह ने उसके लिए लिखा है बस यही मुसलमान है कि यही मेरे रब का फ़ैसला है और मुझे अपने आप को अपने रब के हवाले कर देना है कि मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ। हनीफ़ मुसलमान, ऐसा मुसलमान अल्लाह को चाहिए।
خالص مسلمان جیسے ابراہیم علیہ السلام دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسے ہی خالص بنا دے اپنے لیے. اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے نا, یہودی عیسائیوں کے عقیدے کی تبدیلی کے شرک کے حد تک پہنچ چکی تھی نا. ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے, مشرک نے قریش بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار سمجھتے تھے. تو انہیں بتا دیا گیا ان کے عقیدے کی کوئی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ملتی. اسلام اور شرک یہ دونوں الگ عقائد, یاد رکھیے. دنیا کی حقیقت الگ ہے, دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے, دونوں کی حقیقت الگ ہے. اسی لیے کہا ان اولی الناس ابراہیم الذین اتبعوا وهذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین. یقینا لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ جو قریب ہیں, جنہوں نے ان کی پیروی کی, وہ نبی کون, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے. تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ سب سے زیادہ قریب کون ہے ابراہیم علیہ السلام کے, سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سچے مومن. کیوں؟ کیونکہ اسلامی شریعت ملت حنیف کے سب سے زیادہ قریب ہے. جو اللہ نے امت مسلمہ کو شریعت دی, وہ جسے کہا جائے ملت حنیف کے سب سے قریب. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کا حکم دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر نبی کے لیے انبیاء میں سے دوست ہوتے ہیں, میرے دوست میرے باپ, اور اللہ تعالیٰ کے خلیل جناب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی. تو اصل بات ہے کہ جو سب سے زیادہ ان سے ابراہیم علیہ السلام سے جو نسبت رکھتے ہیں, وہ اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ جو بھی ان کے نقش قدم پر چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے والا بنا دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا واللہ, اللہ تعالیٰ ولی ہے مومنوں کا. اللہ تعالیٰ کس کا ولی ہے؟ مومنوں کا. اللہ تعالیٰ ان کا حامی مددگار ہے جو ایمان والے ہیں. اس وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں. اللہ کے سوا ان کا کوئی ولی نہیں ہے. وہ اللہ کا نام بلند کرنے والے ہیں. وہ صدیاں گزرنے پر بھی, زمانے گزرنے پر بھی, زمین و وطن کا فاصلہ حائل ہونے پر بھی, خاندان و برادریاں مختلف ہونے پر بھی ایک ہیں. یہ ایک ہی رہیں گے اور یہ ہیں ایمان والے. اللہ ان کا ولی ہے. اللہ تو ہم سب کا ولی ہو جائے. ہم دعا مانگتے ہیں نا, وہ جو دعا آتی ہے یا کیا کہتے ہیں, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, وہ ہے نا سورہ یوسف کی, یوسف علیہ السلام کی دعا ہے نا, فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہم فاطر السماوات, بہت پیاری دعا, اس کو یاد کر لیجیے, اس کو بھی پڑھا کیجیے. اللہ تو ہمارا ولی ہو جا. پھر دیکھیے, وَقَدْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اہل کتاب میں سے, جی اہل کتاب میں سے بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ خواہش رکھتے کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں, حالانکہ وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنی جانوں کو, لیکن شعور نہیں رکھتے. اصل میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو اہل کتاب کی جو ایک طرح کی خبیث گروہ کی جو ان کی مکاریاں, اس سے آگاہ فرما رہے ہیں. کیونکہ خواہش تو یہ کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں. اور یہ آتا ہے سورۃ البقرہ آیت 109 میں, ود کثیر من اہل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں. اور جسے کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے نا, وہ اسے حاصل کرنے کے لیے جدوجہد بھی کرتا ہے. اور یہ گروہ بھی پوری کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کو مرتد کر دیں. اور آج دیکھیے کتنے بچے ہیں جو ایتھیسٹ بنتے جا رہے ہیں, اپنے مسلمان بچے, نہ اللہ پر یقین ہے, نہ رسولوں پر یقین ہے, نہ کتابوں کو کھولتے ہیں نہ پڑھتے ہیں. آپ دیکھیے نا کیسے کیسے مشینریز کام کرتی ہیں کرسچنس کی, اور ایسے ایسے علاقوں تک جاتی ہیں ان کو کرسچنس بنانے کے لیے, کیا کچھ امداد فراہم کرتی ہیں, ان کی ہمدردیاں جیتتی ہیں, اور اس انداز سے وہ ان کی ہمدردیوں میں آ کر اپنے مذہب سے خیر بات کہہ دیتے ہیں نا. اور اس مقصد کے لیے وہ ہر ممکن طریقے سے شبہات پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے. اللہ تعالیٰ فرما رہے وما یضلون الا انفسهم, حالانکہ وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنی جانوں کو.
ये अल्लाह का फजल है कि बुरी तदबीर करने वाला अपना ही नुकसान करता है। मोमिनों को गुमराह करने की कोशिश खुद उनकी गुमराही और अजाब में इजाफे का सबब बनती है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाही ज़िदनाहुम अज़ाबन फौकल अज़ाबी बिमा कानू युफ़सिदून। सूरह अन्नहल आयत 88 में आता है, जिन लोगों ने कुफर किया अल्लाह के रास्ते से रोका, हम इनके अजाब पर अजाब का इजाफा करेंगे और इसके बदले जो वो फसाद किया करते थे। अल्लाहु अकबर। हम देखिए ना कैसे कैसे गुमराह करते हैं ना, और आज भी क्या कुछ मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्लॉटिंग की जाती है, साजिशें की जाती हैं, शुबहात पैदा किए जाते हैं। ऐसा जिसे कहा जाए, एक पहले तो होता ना कोई एक फसाद कत्ल हो गया, अब तो ऐसे फितने चल पड़े हैं कि मुसलमानों के बच्चों को उनके दीन पर अमल नहीं करने दिया जा रहा। कितने ममालिक हैं जिसमें लोगों को ज़बरदस्ती नॉन मुस्लिम्स के साथ शादी करवा के और उनको जिसे कहा जाए इस अंदाज से ना बेसिकली दीन से रोका जा रहा है। आज तो इतने फितने, वही बचेगा बस जो अल्लाह ताला के कलाम और सुन्नत को थाम लेगा, वही बचेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुमने इसको मजबूती से पकड़ लिया कभी गुमराह ना होगे। अल्लाह ताला हमें इसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ करके हमारी नस्लों को इसको नाफिज़ करने वाला बना दे। इसीलिए बताया जा रहा है वमा यशुरून, वो शऊर नहीं रखते, उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इनकी कोशिश इन्हीं को नुकसान पहुँचा रही है और वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। या अहलल किताब लिमा तकफुरून बि आयातिल्लाही व अंतुम तशहदून। ए अहले किताब, तुम अल्लाह की आयात का कुफर क्यों करते हो हालांकि तुम गवाही देते हो। कितनी अहम बात है, अहले किताब कुरान मजीद की दावत को मानने के लिए तैयार नहीं हुए, और वजह क्या थी? इनके अंदर ये एहसास था कि वो पहले से हक पर हैं। एक तो पहले से जब खुश फहमी हो जाती है ना कि हमें पहले से आता है, अब सामने वाला कोई लेक्चर दे रहा है ना, अगर पहले से गुमान आ गया कि मुझे तो सब आता है तो अंदर बात जाए तो कैसे जाए। दूसरा ये एक तो दावा कि हम हक पर हैं, दूसरा ये भी दावा कि हम हक परस्तों के सबसे बड़े गुरु बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जो नसबी तासुब होता है ना, ये इंसान को कहीं रहने नहीं देता। बहुत से लोग अपने आप को कहते हैं ना, हम सैयद की औलाद हैं, हम तो ये हमारी नस्बत है, हम इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ तक कि खानदान बिरादरी कल अल्लाह ताला के यहाँ कोई वैल्यू नहीं रखती, अगर दीन से कोरे हैं ना, अल्लाह से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो इनके अंदर भी ये बड़ाई आ गई थी, ज़ात की बड़ाई। जब ज़ात की बड़ाई आगे आ जाती है तो अल्लाह की बात तो फिर पीछे चली जाती है। इनके साथ भी वही हुआ, इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे तुम अल्लाह की आयात का क्यों कुफर करते, इस कुरान मजीद की दावत को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते जिसमें खुद मौजूद था अल्लाह के नबी के आने के बारे में। तुम उसको एक्सेप्ट करोगे, किताब को मानोगे, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? हालांकि अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम तशहदून, तुम गवाही देते हो। अहले किताब की गवाही क्या थी? इससे मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक होने पर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक पर होने का इल्म। आप देखिए ना, इनको पता था कि अल्लाह के नबी सच्चे हैं, तौरात में सब कुछ आपकी निशानदेही कर दी गई थी, और ये आपस में एक दूसरे के साथ खुफिया तौर पर बताते भी थे, लेकिन हसदुम आपस में जो हसद जो बुकस होता है ना, ये इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। तो अपने अपने साथ जो ना दूसरे, जैसे अपने साथ वालों के साथ कैसे वो मतलब होता है ना कि हम पहले हम हमने हम टीचर हैं, अब आप बाज़त होते ना जैसे कोई टीचर है माशाल्लाह उसने पढ़ाया, अब पढ़ाते पढ़ाते क्या वो आप तो वहीं पर पढ़ा रहे लेकिन जिसको आपने पढ़ाया उनमें से कोई बहुत आगे निकल गया, अब ऐसे मौके पर टीचर की क्या बड़ाई, क्या उसको नहीं मानेगा? नहीं, उसकी बड़ाई को माने। ये टैलेंट, ये स्किल, ये जो खूबी, ये अल्लाह की तरफ से उसको दी थी। आप 10 लोगों को पढ़ाते हैं, हो सकता है 10 में से 8 पीछे लेकिन 2 बहुत आगे निकल जाए, अब ऐसे पर उस्ताद को क्या चाहिए जो पहले है? उसको चाहिए कि जो छोटे हैं उनकी काबिलियत को, उनकी स्किल्स को माने और अल्लाह से दुआ करें। और अल्लाह से ये तो आपके लिए सदका जारिया है कि आपने उनको थोड़ा पढ़ाया लेकिन अल्लाह ने उनको वो हुनर वो टैलेंट दिया था, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और आज देखिए ना, इस मैदान में कितनी हसद है, चाहे दीन
वाले आपस में एक दूसरे की लग पलिंग कर रहे हैं, और जहाँ दुनिया वाले भी ऐसे आपस में दोस्त एक दूसरे की, कितना एक अगर दोस्त अगर जिसे जिसे कहा जाए किसी बहुत अच्छी पोस्ट पर चला जाए और दूसरा वहीं के वहीं है, तो उसको कितनी मतलब एक तरह से वो नहीं लगती है हसद के, मैंने भी इसके साथ ग्रेजुएट किया लेकिन आज मैं वहीं का वहीं हूँ, ये कहाँ से कहाँ निकल गया। बस अगर ये बात याद रखेंगे ना, हनीफा मुसलमान, अपने आप मुसलमान क्या, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, अल्लाह की रजा पर राजी रहे, जितना रिस्क है जितनी चीज़ें वो मिलेंगी, जो स्किल मिला है वो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की देन है, अल्लाह की बांट है। मैं और आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी की बांट पे आपको किसी को अल्लाह ताला ने दिया और आपको दिल चाहता है कि वो आपको मिल जाए, बस अल्लाह से दुआ शुरू कर दें। आपको अल्लाह ताला को ज़्यादा पता है, वो अल हकीम है ना, वो हर एक को अपनी हिकमत के मुताबिक देता है कि किसको कितना देना चाहिए, जो भी इल्म मिला है बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उस इल्म को इल्म नाफिया बना दे, और जो इल्म मिला है उसमें हमेशा हक की गवाही, सदाकत की गवाही देने वाला बना दे। अल्लाह ना करे हम में से कोई बनी इसराइल के उलमा की तरह के आपस में जाने के बावजूद अपनी ज़ात की बड़ाई, अपना ये एहसास कि हम सबसे बड़े ग्रुप बनी इसराइल से हैं, ख़ास कौम से हैं, अल्लाह ना करे ये तासुब ग्रो हमें कभी भी हक को बताने से रोकने वाला बन जाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फिक। इंशाल्लाह इन आयात की तिलावत सुनते हैं, आप इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा कि अपनी जो भी शेयरिंग है अपने ग्रुप में ज़रूर किया कीजिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप शेयरिंग करते हैं ना, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें जब आप शेयरिंग के साथ करते हैं तो उसमें बहुत सारी एक फीलिंग्स आती है ना कि आपको समझ आती हैं, तो दूसरों के लिए भी राहें खुलती हैं ना इंशाल्लाह। चलिए जजाक अल्लाह कर, इन आयात की तिलावत देखते हैं। बिस्मिल्लाह। بالله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. جزاک اللہ خیر کثیرا بارک اللہ فیک. انشاءاللہ آپ اپنے گروپ میں شیئرنگ کر لیجیے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.